हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित की चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी सांतत्य तथा अवकलनीयता के बारे में। इससे पहले मैं इसका जो एक्सआई 5.1 के एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट का वीडियो था वो मैं दे चुका हूँ। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 2 की। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी जो एप्लीकेशन है एक्सपी क्लासेस की प्ले स्टोर में एप्लीकेशन उपस्थित है उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर लाइव क्लासेस चल रही है और लाइव क्लासेस को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, जहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइव क्लासेस चल रही है उनका आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं एक्सआई 5.1 के साथ। एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं। पहला सवाल आपको इस प्रकार से दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3x बराबर 0 x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। तो आप लोगों ने अगर एग्जांपल लगाए तो आपको पता है ये सवाल किस तरीके से जाना है। और कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन बिंदु की बात कर रहा है, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 के लिए। तो तीनों के लिए निकालेंगे तो पहले ले लेते हैं x बराबर 0 के लिए, ठीक है। तो x बराबर 0 के लिए तीनों के लिए दिखाएंगे तो पहले लेते हैं लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, fx का मान है 5x माइनस 3। यहाँ पर वैल्यू पुट करना है तो 5 गुणे 0 माइनस 3 बराबर आ जाएगा माइनस 3। तो ये हो गया लिमिट की वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो fx, चूंकि fx है 5x माइनस 3 इसीलिए x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए अगर निकालें तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकलनी है ये कि f0 हो जाएगा 5 गुणे 0 माइनस 3 बराबर आ गया माइनस 3। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि चूंकि लिमिट का जो मान आया वो माइनस 3 है और जो फंक्शन की वैल्यू आई वो भी माइनस 3 है, इसलिए आपने यहाँ से कह दिया कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर f0 इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है, ठीक है, फलन सतत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार बाकी सब के लिए दिखा देंगे और कि x बराबर माइनस 3 कह रहा था, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 के लिए। तो देखिए x बराबर माइनस 3 की अगर मैं बात करूं, x बराबर माइनस 3 के लिए, ठीक है, तो लिमिट लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 fx वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 fx की जगह 5x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर x की स्थान में माइनस 3 रखना है तो 5 गुणे माइनस 3 माइनस 3, तो 5 थी 15 माइनस 15 माइनस 3 बराबर निकल के आएगा माइनस 18। फिर फंक्शन की बात कर लेते हैं, अगर फंक्शन का मान निकालेंगे तो चूंकि फंक्शन दिया है fx बराबर 5x माइनस 3, अब आपको निकालना है x बराबर माइनस 3 के लिए, x बराबर माइनस 3 के लिए, तो ये निकल के आएगा f माइनस 3 बराबर 5 गुणे माइनस 3 माइनस 3, तो ये निकल के आएगा माइनस 15 माइनस का 3, यानी फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकली माइनस का 18। तो आपने क्या नोटिस किया, निश्चित तौर पे यहाँ पर कि जो लिमिट का मान था वो देखा आपने कितना आया माइनस 18 और आपने फंक्शन का मान देखा वो कितना आया माइनस 18। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि इसीलिए चूंकि लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 fx बराबर f माइनस 3 इसीलिए x बराबर माइनस 3 पर फलन सतत है, फलन सतत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप x बराबर 5 के लिए निकालेंगे तो आसानी से आप निकाल लेंगे, है ना। यहां पर भी x बराबर 5 के लिए आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, सेम यही तरीका अपनाएंगे और ये सवाल बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 5 के लिए निकालते हैं, x बराबर 5 के लिए, ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा भाई, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का मान रखना है 5x माइनस 3, वैल्यू पुट करेंगे
तो ये हो जाएगा 5 × 5 − 3, तो ये हो रहा है 25 − 3 = 22। तो ये हो गई लिमिट की वैल्यू। अब एक्स बराबर 5 पर फंक्शन की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, एफ एक्स बराबर था 5x − 3, तो ये हो जाएगा f5। f5 के लिए कितना, 5 × 5 − 3 यानी कि 25 − 3 यानी कि ये निकल के आया 22। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा कि चूंकि लिमिट x→5 fx = f5 के, इसलिए x = 5 पर फलन सतत है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर कह रहा है x = 3 पर फलन fx = 2x²−1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो आपको ये पता है, सिंपल सवाल है, कुछ इसमें लगना नहीं है। लिमिट की वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और देख लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट की बात करूं कि लिमिट x→3 पर, लिमिट x→3 fx की यहां वैल्यू रखेंगे, लिमिट x→3 एंड fx का मान रखना है 2x²−1। यहां वैल्यू पुट कीजिए 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना निकल आएगा, 2 × 9 − 1 = 18 − 1 = 17। तो ये हो गई लिमिट की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू की अगर मैं बात कर लूं तो x = 3 पर fx दिया था 2x²−1, वैल्यू पुट करेंगे f3 निकाल रहे हैं, तो 2, 3² − 1, तो यहां से कितना हो रहा है, 2 × 9 − 1 = 18 − 1 = 17। तो यहां से आपने क्या देखा कि चूंकि लिमिट x→3 fx = हो रहा है f3 के, यानी कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, चूंकि इसीलिए x = 3 पर फलन सतत है। ठीक है, फलन सतत है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 सवाल दिए, और यहां पर ध्यान रखिएगा एक बात को कि बिंदु नहीं दिए, पॉइंट नहीं कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है fx = x − 5 के लिए। ठीक है, तो हम रियल नंबर के लिए लेके चलेंगे, वास्तविक संख्या के लिए। अब fx = x − 5, ये जो x − 5 है, ये x − 5 क्या है, एक बहुपद फलन है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल, और जिसमें x^1 है, एक घातीय या रैखिक कह सकते हैं, रैखिक फलन है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि fx = x − 5 एक बहुपद फलन है, चूंकि बहुपद फलन संतत होता है, कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करता है, ये बात सिद्ध की थी एग्जांपल्स में। ठीक है, इसलिए दिया हुआ फलन x belongs to R के लिए संतत है, कंटिन्यूटी प्रदर्शित कर रहा है वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। ठीक है, तो आपको इसमें पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है, कोई पॉइंट लेना है, तो आप 0, 1, 2, 3 के लिए दिखा दो। ठीक है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से बेहतर रहेगा। क्लियर। और तीसरे का बी सवाल कह रहा है कि fx = 1/x − 5, वेयर x ≠ 5। अब यहां पर एक बात समझने वाली बात है कि आपको बताया गया था कि अगर दो जो फलन है और उनका भाग हो रहा है, दो फलन संतत हैं, कंटिन्यूटी प्रदर्शित कर रहे हैं, उनका भाग हो रहा है, तो वो जो भागफल होगा वो भी कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर जो एक है, अब इस एक को आप क्या कह सकते हो, x^0 बोल सकते हो, तो ये भी एक बहुपद फलन हो गया। ठीक है, और x − 5 भी एक बहुपद फलन हो गया, है ना, और ऊपर नीचे दो बहुपद फलन हैं और वो कंटिन्यूटी को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो पूरा इंटायर आपका फंक्शन fx हो जाएगा, वो भी बहुपद फलन के लिए संतत होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप कि fx = 1/x − 5 दो बहुपद फलन का भागफल है, इसलिए दिया हुआ फलन x belongs to R − 5 के लिए, क्योंकि वो कह रहा है ना, सवाल में पहले से लिखा है, ध्यान रखिए इस बात को कि सवाल में लिखा है x ≠ 5। ठीक है, तो x belongs to R − 5 पर संतत है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। आपको दिया है fx = x²−25/x+5, वेयर x ≠ −5। तो इस सवाल को करेंगे, तो आपको पहले बात तो यहां पर इसको हल करना होगा, x²−25 है, तो आपको पता है a²−b² वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, x²−5² / x+5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ले लेंगे, देन ये x+5 एंड x − 5 हो जाएगा अपॉन में x+5। ठीक है, ऊपर नीचे x+5 कैंसिल हो रहा है,
तो ये एफ एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स बराबर आ गया एक्स माइनस फाइव। अब ये एक्स माइनस फाइव किस तरीके से हो गया, याद कीजिए तीसरे का ए जो किया था अपन ने, ये तीसरे का ए किया था ना एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फाइव, तो सेम चीज आ जाएगी, पूरा का पूरा यहाँ पर उठा के लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता देना है कि एक्स माइनस फाइव एक बहुपद फलन है और बहुपद फलन कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करता है, संतत होता है, इसलिए दिया हुआ फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। तो क्या आप दिखा रहे हैं कि चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फाइव एक बहुपद फलन है और बहुपद फलन संतत होता है, इसलिए दिया हुआ फलन एक्स बिलोंग्स टू आर पर संतत है, सिंपल। ठीक है, तीसरे का डी देखते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मॉड की वैल्यू कैसे ओपन होती है, तो वी नो दैट मॉड एक्स बराबर होता है एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स वेयर एक्स लेस देन जीरो। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो इस तो यहां पर जब अपन मोड ओपन करेंगे तो एक बात को ध्यान रखिएगा, मोड जो ओपन होगा किस प्रकार से होगा, देखिए ध्यान रखिए, यहां मोड एक्स की बात कर रहे हैं तो ये हो जाता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो। लेकिन यहां याद रखो, तो चूंकि यहां मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव है, मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव है, तो अब यहां से x के लिए अगर निकालोगे तो अगर x बराबर जीरो ले लिए तो यहां से x बराबर फाइव निकल रहा है। तो बेसिकली इस जगह पर x माइनस फाइव के लिए जब आप रखोगे तो रखोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एंड x लेस देन फाइव। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो आप सोच रहे हो, यहां पर किसके लिए सोच रहे हो, x के लिए सोच रहे हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x लेस देन जीरो। लेकिन यहां पर आप x माइनस फाइव ले रहे हो, तो x माइनस फाइव के लिए क्या हो जाएगा, ये पांच जाएगा जीरो के उस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एंड x लेस देन इक्वल टू फाइव के बारे में आप यहां से सोचोगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, तो एफ एक्स बराबर ये आप इसको ओपन करोगे, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x माइनस फाइव, तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे, तो प्लस के लिए x प्लस फाइव होगा, x वो तो यही रहेगा, x माइनस फाइव रहेगा, x माइनस फाइव रहेगा एंड ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। ठीक है, एल एच एल के आर एच एल के लिए हो जाएगा एंड एल एच एल के लिए बाहर माइनस लगा देंगे, माइनस एक्स माइनस फाइव एंड वेयर एक्स लेस देन फाइव, यानी आप एक्स बराबर पांच के लिए हल कर दोगे। ठीक है, किसके लिए, एक्स बराबर फाइव के लिए। अब क्यों ऐसा किया, ये बात मैंने क्लियर करा दी है, क्योंकि यहां जो आप सोचते हो इस जगह पर ये एक्स के लिए सोच रहे थे। ठीक है, तो पांच जो है वो उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां पर आप कह रहे हैं एक्स बराबर पांच के लिए, x बराबर पांच के लिए एल एच एल आर एच एल सोचते हैं, तो एल एच एल की मैं बात करूं, एल एच एल, ठीक है, एल एच एल के लिए क्या हो जाता है, एल एच एल के लिए हो जाता है लिमिट लिमिट x टेंस टू फाइव माइनस एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो और ये निकल के आएगा f फाइव माइनस h। अच्छा, एल एच एल के लिए क्या रखना है, ये एल एच एल के लिए यहां रखना है इस वाले वैल्यू, तो यहां पर x के स्थान पर रख रहे हैं, x के स्थान पर रख रहे हैं फाइव माइनस एच। ठीक है, तो ये हो रहा है लिमिट h टेंस टू जीरो और x के स्थान पर फाइव माइनस एच रखना है, तो माइनस बाहर लगाए एंड फाइव माइनस एच माइनस का फाइव, तो पांच से पांच कट रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस बाहर माइनस का एच बचेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और प्लस एच, तो एल एच एल की वैल्यू आ गई जीरो। अब यहीं से इसी प्रकार आप आर एच एल निकाल लेंगे, तो आर एच एल की अगर मैं बात करूं, आर एच एल, ठीक है, तो आर एच एल के लिए आप क्या दिखा रहे हो कि भाई लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस एफ एक्स, और आर एच एल के लिए यहां पर एक्स की वैल्यू रखने हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पहली बात तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ फाइव प्लस एच, ठीक है, एफ फाइव प्लस एच इतना हो जाएगा 5 प्लस एच, और लिमिट की वैल्यू ये f 5 प्लस एच है, तो x के स्थान पे आर एच एल के लिए आपको ये ग्रेटर देन वाला लेना है, ग्रेटर देन वाला, और x के स्थान में 5 प्लस एच रख देना, x के स्थान पे 5 प्लस एच लिमिट, ये हो रहा भाई लिमिट h टेंस टू जीरो f, x के स्थान पे रखना है 5 प्लस एच यहाँ पर, तो 5 प्लस एच माइनस 5 प्लस एच, 5 प्लस एच माइनस 5, ठीक है, ये वैल्यू पुट करी, एफ हटा देंगे, एफ की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, एफ की जरूरत नहीं है, तो ये इतना हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ फाइव प्लस एच था तो वहां पर रखा वैल्यू, तो फाइव प्लस एच माइनस एच। अच्छा, फाइव से फाइव कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बचेगा, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा जीरो, तो एल एच एल आर एच एल निकाल लिया, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो चूंकि एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स माइनस फाइव, x बराबर पांच के लिए, x बराबर
पांच के लिए अगर अपन दिखाते हैं तो ये हो जाएगा एफ फाइव, एफ फाइव बराबर मोड एक्स फाइव माइनस फाइव देन मोड जीरो बराबर जीरो, ठीक है मोड जीरो बराबर जीरो। तो आप यहां पर क्या कह रहे हैं कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ फाइव, इसीलिए एक्स बराबर पांच पर, एक्स बराबर पांच पर फलन सतत है, फलन फलन संतत है, हेंस प्रूव्ड, या एक्स बराबर आप कह रहे हैं कंटिन्यूटी, एक्स बराबर पांच पर कंटिन्यूटी को प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं, आपको सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन एक्स बराबर एन पर संतत है, जहां एन एक धन पूर्णांक है। इस प्रकार से कह रहा है फलन, ठीक है। अब एक्स बराबर एन पर कह रहा है, सिंपल निकाल देंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए दिखा देते हैं, यानी लिमिट की वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू बराबर दिखा देना, ठीक है। तो करते हैं यहां पर, तो लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लिमिट एक्स टेंस टू एन के लिए कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स बराबर, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू एन एंड एक्स की पावर एन है, तो ये निकल के आएगा एन की पावर एन की पावर एन, ठीक है। ये हो गई लिमिट की वैल्यू। अब यहां पर आपने लिया कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन एंड एक्स बराबर एन पर, एक्स बराबर एन पर निकालेंगे तो एफ एन बराबर एन की पावर एन, एफ एन बराबर एन की पावर एन। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि भाई चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एन, अब यहां पर देख रहे हैं लिमिट की जो वैल्यू है वो भी एन की पावर एन है एंड जो फंक्शन की वैल्यू आई वो भी एन की पावर एन है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स बराबर एन एफ एन, ठीक है, क्या एफ एन फंक्शन की एन पर वैल्यू, तो इसलिए एक्स बराबर एन पर फलन संतत है, पर फलन संतत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच की बात करते हैं, आपको कह रहा है क्या एफ एक्स बराबर एक्स वेयर, यदि x लेस देन इक्वल टू 1 कह रहा है और 5 कह रहा है यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0 x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है, इसके बारे में बात कर रहा है। अब यहां पर सवाल को ध्यान देने की वाली बात यह है कि आपको जो सवाल में कह रहा है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1 के लिए कह रहा, तो फलन में आपको जो दे रहा है पॉइंट वो 1 कह रहा है ना, वन के लिए कह रहा है और आपको निकालना है जीरो वन और टू के लिए। तो याद रखना जब जीरो की बात आएगी तो जीरो जो है एक से छोटा है तो वहां के लिए लेंगे जहां छोटा है, ठीक है। यानी एक्स लेस देन वन के लिए आप एल एच एल आर एच एल दोनों में एक्स लेस देन वन के लिए लोगे, जीरो एक से छोटा है तो एक्स लेस देन वन के लिए आप एल एच एल आर एच एल लोगे, एक्स बराबर वन के लिए दोनों ही हो जाएंगे एल एच एल आर एच एल, ठीक है, ये दोनों काम करेंगे। और x बराबर 2 के लिए वहां लोगे जहां ग्रेटर देन के लिए, यानी दोनों में एल एच एल आर एच एल के लिए दोनों में 5 लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सवाल को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 की बात कर लेते हैं, x बराबर 0 पर एल एच एल आर एच एल निकालना है, तो मैंने जैसे कहा आपको x बराबर 0 के लिए तो लेस देन वाला पार्ट देखोगे, x लेस देन 1 दिया है तो एल एच एल आर एच एल दोनों के लिए ही x रखेंगे। हम क्या कह रहे हैं आपको, आपको सवाल में फंक्शन में जो पॉइंट दिया है वो 1 दिया है, ठीक है, लेकिन x बराबर 0 के लिए जब जाओगे तो एल एच एल आर एच एल दोनों के लिए ही, ध्यान सुनिएगा, दोनों के लिए ही आप x लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एल एच एल की बात करता हूं, किसकी एल एच एल के लिए अगर मैं बात कर लूं, एल एच एल में क्या रख रहे हैं आप, तो यहां पर लिमिट बनाते हैं तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स एंड ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लेस देन वाले पार्ट में रखोगे जीरो के लिए, तो यहां पर x के लिए रखना है, यहां पर तो x के लिए रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 तो आ जाएगा माइनस का h, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये हो गया एल एच एल के लिए। देन आर एच एल की अगर मैं बात कर लूं, आर एच एल, ठीक है, तो आर एच एल के लिए क्या फिर रख रहे हो, फिर आर एच एल की रख रहे हो लिमिट आर एच एल के लिए भी यही रखोगे, एल एच एल आर एच एल दोनों के लिए ही एक्स रखोगे, क्यों, क्योंकि एक्स लेस देन वन के लिए, एक्स लेस देन वन के लिए आपको एक्स रखना है और चूंकि जीरो एक से छोटा होता है तो दोनों के लिए एल एच एल और आर एच एल दोनों के लिए ही आप एक्स रख रहे हैं, इस बात को समझ लेना मेरी बात को, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स
देन लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h, तो यहां से क्या बन जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f h, ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, x रखना तो आएगा h, तो वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो यहां आप देख रहे हैं कि चूंकि LHL बराबर RHL इसीलिए x बराबर जीरो पर फलन संतत है, ये आप दिखा रहे हो उतना, ठीक है, इसलिए x बराबर जीरो पर फलन संतत है, ठीक है, संतत है। अच्छा फंक्शन की वैल्यू और निकालें, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालने की बात करूं तो आप तब भी x ही लोगे, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू वन के लिए x ही लोगे क्योंकि इक्वल टू लगा है। तो यहां पर अगर फंक्शन की वैल्यू बात करूं तो एफ एक्स बराबर, फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लोगे, एफ एक्स बराबर x, x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर f जीरो बराबर हो जाएगा जीरो। तो यहां से आपने क्या गौर किया कि भाई LHL का मान जीरो है, RHL का मान भी जीरो है और जो फंक्शन की वैल्यू आई वो भी जीरो आई। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f जीरो इसलिए x बराबर जीरो पर फलन संतत है। अब कह रहा था x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर निकाल लो, x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर देखते हैं LHL RHL, तो अगर मैं बात करूं LHL की तो आएगा वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, ठीक है। तो यहां से आपको क्या, देखो ध्यान दो, फलन फंक्शन क्या कह रहा था आपको, जो फंक्शन वो कह रहा था fx बराबर x, वेयर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 x ग्रेटर देन 1, ये कह रहा था। तो LHL के लिए आप लेस देन वाला पार्ट रखोगे और RHL के लिए ग्रेटर देन वाला पार्ट रखोगे। तो यहां पर x की बात करें तो x के स्थान पर रखना है 1 माइनस एच, x के स्थान पे 1 माइनस एच, तो h टेंस टू 0 एंड 1 माइनस एच, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 बराबर 1। तो ये हो गया LHL का मान। RHL की बात कर लेते हैं, RHL, ठीक है, तो RHL के लिए क्या निकल के आएगा भाई, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ये हो जाएगी वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, ठीक है। अब ग्रेटर देन के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए RHL में 5 रखना है आपको, तो यहां से क्या निकल के आएगा लिमिट h टेंस टू 0, इस पूरे की जगह आएगा 5, तो यहां से आपको वैल्यू मिलनी है 5। तो यहां पर आपने गौर किया कि LHL की वैल्यू 1 आई और RHL की वैल्यू 5 आई, तो LHL RHL नॉट इक्वल टू है, तो चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, ठीक है, संतत नहीं है, क्लियर है इतनी बात। अब वो कह रहा था आगे x बराबर 2 पर, तो ध्यान रखना कि फंक्शन क्या था अपने पास, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, फंक्शन था fx बराबर x, वेयर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 वेयर x ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन के लिए, क्योंकि x बराबर 2 पर ग्रेटर देन है, तो LHL RHL दोनों के लिए 5 लेकर चलोगे, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू भी 5 लेकर ही चलोगे, ठीक है। तो यहां पर x बराबर 2 के लिए निकाल लो, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए LHL RHL की मैं बात कर लेता हूं, तो LHL, ठीक है, LHL देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, है ना, ये चीज तो अपन लिखते ही लिखते हैं, तो यहां से क्या मिलता है अपन को लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। अब मैंने कहा आपको दोनों के लिए ही आपको फंक्शन में 5 ही रखना है, तो अब फंक्शन की वैल्यू x fx बराबर कितना है, fx बराबर 5 रख रहे हो, तो यहां पर सीधे सीधे रख देंगे अपन 5, तो लिमिट h टेंस टू 0 आएगा यहां 5, तो LHL का मान आएगा 5। एंड RHL की मैं बात करता हूं, RHL, अगर RHL की अगर हम बात कर लें तो यहां पर क्या कि भाई लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h, तो यहां पर भी वैल्यू आपको 5 ही पुट करनी है, तो लिमिट h टेंस टू 0 5 बराबर 5। एंड अगर फंक्शन की मैं बात कर लेता हूं, फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो चूंकि f x बराबर 5 देन x बराबर 2 पर भी वैल्यू 5 रहेगी, x बराबर 2 पर f 2 बराबर 5, ठीक है। तो यहां से आपने क्या देखा कि चूंकि, क्या गौर कर रहे हो भाई, कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f 2 इसीलिए x बराबर 2 पर फलन संतत है,
हरण संतत है। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये पूरा सवाल इस प्रकार से था। क्योंकि फंक्शन आपको x बराबर एक के लिए कह रहा था और फिर अब वो आपसे पूछा था x बराबर जीरो, x बराबर एक और x बराबर दो पर, तो जीरो के लिए जाएंगे जहां x लेस देन वन है, जहां x का मान एक से छोटा है वहां के लिए, और वन के लिए तो फिर एल एच एल आर एच एल दोनों जाएंगे लेस देन ग्रेटर देन के लिए, और x बराबर दो पर वहां जाओगे जहां पर x ग्रेटर देन वन है, x का मान एक से बड़ा है तो वहां पर x बराबर दो के लिए जाओगे। तो इस प्रकार से पूरा सवाल था, कोई दिक्कत हो तो आप रिवर्स करके अच्छे से समझिए इस सवाल को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको आगे जो तुमने सवाल दिए उनके लिए कह रहा है कि f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो आगे आपको ये सवाल दिए कुछ उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है fx बराबर 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2। आपको पता है लेस देन के लिए LHL एंड ग्रेटर देन के लिए RHL अपन को रखना है, ठीक है। तो LHL की बात कर लेते हैं फटाफट, और x बराबर 2 के लिए रखना है आपको, ध्यान रखना फंक्शन का जो कुछ भी मान निकालना है आपको x बराबर 2 के लिए निकालना है, ठीक है। तो LHL की बात करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं x बराबर 2 के लिए, ठीक है। तो यहां से ले रहे हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, तो यहां से क्या वैल्यू आई कि लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। अच्छा LHL के लिए आपको ये वैल्यू रखनी थी तो x के स्थान पर रख देंगे, x के स्थान पर कितना 2 माइनस h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर 2 x के स्थान पर रखना है 2 माइनस h प्लस 3, ठीक है। वैल्यू का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एंड 2 दूनी 4 माइनस 2h प्लस 3। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है भाई, ये लिमिट h टेंस टू 0 एंड 7 माइनस 2h हो गया, ठीक है। अब h का मान रखेंगे तो 7 माइनस 2 गुणे h का मान 0, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहां से LHL का मान आ गया। RHL की बात कर लेते हैं, RHL, ठीक है। तो RHL के लिए क्या भाई कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h, है ना। और RHL के लिए आपको ग्रेटर देन में रखना है यहां पर x की जगह, ठीक है। तो 2 प्लस h रखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 एंड 2 एंड 2 प्लस h माइनस 3, ठीक है। इसमें रखना है, दो का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 दो दूनी 4 प्लस 2h माइनस का 3, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 4 3 7 नहीं घट जाएगा, 3 घटा देंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 2h आ जाएगा। अब यहां पर h की वैल्यू अगर रखते हैं तो 1 प्लस 2 गुणे 0, तो यहां से वैल्यू मिली 1। अब यहां पर आप निश्चित तौर पर देख पा रहे हैं कि भाई LHL का मान तो आ गया 7, और RHL का मान जो वैल्यू आई वो 1 आई। तो यहां पर आपने क्या गौर किया कि भाई चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL इसीलिए x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है या असंतत है, संतत नहीं है या असंतत है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको इस प्रकार से दिया कि fx बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x यदि माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 एंड 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कुछ इस प्रकार का सवाल है। अब इस तरीके के सवाल में आप यहां पर एक चीज, यहां पर आपको माइनस 3 एंड 3 दो चीजें दी हैं, तो इस फंक्शन को आप दो रूप में तोड़ लोगे, एक माइनस 3 के लिए एक 3 के लिए, और फिर दोनों के लिए लगाओगे। यानी यहां पर जो तो दो पॉइंट दिए हैं आपको वो है माइनस 3 एंड 3। अब माइनस 3 एंड 3 के लिए अगर मैं आपको फंक्शन दो तोड़ के बताऊं किस प्रकार से रहेंगे, तो यहां पर देखिए माइनस 3 यहां पर है और यहां पर, ठीक है। तो माइनस 3 के लिए ये पहले दो पार्ट हो जाएंगे एंड 3 आपको ये दे रहा और यहां दे रहा, तो 3 के लिए ये दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन किस प्रकार से तोड़ते हैं इसको समझ लेते हैं। ये जो पूरा फंक्शन दिया है इसको आप दो पार्ट में इस प्रकार से तोड़ रहे हो कि fx बराबर, fx बराबर अगर मैं माइनस 3 की बात कर लूं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 3 वेयर x लेस देन इक्वल टू 3 एंड माइनस 2x वेयर x ग्रेटर देन 3, ठीक है। यहां माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 3, यहां माइनस 3 की बात कर रहे थे ना, तो यहां माइनस 3 एंड माइनस 3। अब यहां पर गौर कीजिए कि ये माइनस 3 लेस देन x है ना, तो x की तरफ मुंह खुला है ना, यानी x ग्रेटर देन माइनस 3 हुआ, x ग्रेटर देन माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 के लिए। एंड अगर मैं बात करूं प्लस 3 वाली,
कि प्लस तीन को कैसे बोल रहे हो, तो यहां पर प्लस तीन के लिए आप इस प्रकार से ले सकते हैं, ये दो में टूट जाएगा, तो ये एफ एक्स बराबर प्लस तीन के लिए क्या हो जाएगा कि एक्स लेस देन तीन, ये एक्स लेस देन तीन के लिए आ जाएगा माइनस टू एक्स, तो यहां से ले रहे हैं माइनस टू एक्स वेयर एक्स लेस देन थ्री एंड ये सिक्स एक्स प्लस टू, सिक्स एक्स प्लस टू वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो इस तरीके से ये दो फंक्शन में टूट गया, ये पूरा जो आपको फंक्शन दिया है, फलन दिया है, ये दो फंक्शन में तोड़ दिया। अब इसको आप माइनस तीन एंड तीन के लिए हल कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं माइनस तीन के लिए, x बराबर माइनस तीन पर, x बराबर माइनस तीन पर, तो एल एच एल आर एच एल ले लेते हैं, तो एल एच एल, एल एच एल, एल एच एल की अगर मैं बात करूं तो लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री एफ एक्स माइनस थ्री माइनस तीन, ठीक है। हाँ, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, तो यहां पर क्या बनेगा f माइनस थ्री एंड माइनस एच, इतना आएगा। अच्छा, लेस देन के लिए क्या वैल्यू पुट करनी है, लेस देन के लिए रखना है मॉड ऑफ x प्लस थ्री, और इस मॉड मॉड x में मॉड x के स्थान पर रखोगे माइनस थ्री माइनस एच, ठीक है, माइनस थ्री माइनस एच। तो यहां पर रखना है वैल्यू लिमिट h टेंस टू जीरो, एंड आपको वैल्यू रखनी है मॉड के स्थान पर माइनस थ्री माइनस एच मॉड एंड प्लस थ्री, ठीक है। अच्छा, मॉड से ये वैल्यू बाहर निकलेगी तो प्लस की हो जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू जीरो ये हो जाएगा थ्री प्लस एच प्लस थ्री, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो सिक्स प्लस एच, अब h की वैल्यू जीरो रखेंगे तो छह प्लस जीरो बराबर छह, तो ये एल एच एल का मान आ गया। आर एच एल की बात कर लेते भैया, यहां पर आर एच एल की भी बात कर लेते हैं, तो आर एच एल के लिए क्या कि लिमिट लिमिट x टेंस टू माइनस थ्री प्लस एफ एक्स, तो यहां से हो जाएगा लिमिट एंड x टेंस टू जीरो, और ग्रेटर देन के लिए यहां पहले फंक्शन बनाएंगे f माइनस थ्री प्लस एच, इतना आएगा। अच्छा, ग्रेटर देन के लिए आपको वैल्यू पुट करनी है माइनस टू एक्स, एंड माइनस टू एक्स है तो x के स्थान पे आपको रखना है माइनस थ्री प्लस एच, ठीक है। तो यहां से कह रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू जीरो एंड माइनस टू, एक्स के स्थान पर रख रहे हैं माइनस थ्री प्लस एच, तो यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो रहा है भाई लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस माइनस प्लस सिक्स एंड माइनस का टू एच, वैल्यू पुट करेंगे तो छ माइनस दो गुणे जीरो, तो ये हो जाएगा कितना छ। तो एल एच एल का मान कितना आया था छ भाई, एल एच एल का मान आपने देखा था छ आया, एंड आर एच एल का मान आपने देखा कि छ आया। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जहां बराबर का निशान लगा होगा, ध्यान दो कहां लगा बराबर निशान, ये लगा, तो बराबर के निशान के लिए आप फंक्शन की वैल्यू लेंगे, यानी मॉड एक्स प्लस थ्री, मॉड एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो चूंकि चूंकि एफ एक्स बराबर, चूंकि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस थ्री, और एक्स बराबर माइनस तीन के लिए निकालना है, एक्स बराबर माइनस तीन के लिए फंक्शन की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा एफ माइनस थ्री बराबर मॉड माइनस थ्री प्लस थ्री, यानी हो जाएगा थ्री प्लस थ्री यानी कि सिक्स। तो यहां से आपने क्या बताया भाई कि चूंकि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ माइनस थ्री, इसीलिए एक्स बराबर माइनस तीन पर फलन सतत है, फलन सतत है, कंटिन्यूअस सो हो रहा है। अब x बराबर तीन के लिए दिखा देंगे, ठीक है, किसके लिए, x बराबर तीन के लिए, x बराबर तीन के लिए। अब x बराबर तीन के लिए भाई फंक्शन क्या बन रहा था वो देख लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर x बराबर तीन के लिए आपने फंक्शन इस प्रकार से बनाया था कि माइनस टू एक्स वेयर x लेस देन थ्री एंड सिक्स एक्स प्लस टू, सिक्स एक्स प्लस टू वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये फंक्शन बनाया था स्टार्टिंग अपन ने, ठीक है। x बराबर तीन के लिए एल एच एल एंड आर एच एल की बात कर लेते हैं, तो एल एच एल अगर देखें तो एल एच एल के लिए क्या भाई कि एल एच एल के लिए लेस देन वाला पार्ट लेंगे तो लिमिट लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स, ठीक है। और एल एच एल एंड आर एच एल की शुरुआत की दो लाइन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल एच एल एंड आर एच एल की जो शुरुआत की दो लाइनें होती है वो हमेशा एक जैसी रहती हैं। तो लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स, देन ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो एफ थ्री माइनस एच, ठीक है। तो यहां से आपको लेस देन के लिए क्या रखना है, यहां पर लेस देन के लिए देखो x लेस देन थ्री दे रहा, तो यहां रखेंगे माइनस टू एक्स में, ठीक है। अब माइनस टू एक्स में क्या रखना है, x के स्थान पे थ्री माइनस एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड माइनस टू एंड x के स्थान पे थ्री माइनस एच रख रहे हैं आप, तो यहां से आपको क्या मिल जाना है, ये हो जाएगा भाई लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस सिक्स प्लस टू एच
वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस छह प्लस दो गुणे जीरो, तो यह आ जाएगा एलएचएल का मान माइनस छह। आरएचएल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आरएचएल, आरएचएल के लिए अगर निकालें तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री प्लस एफ एक्स, देन ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ थ्री प्लस एच, ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब यहां पर ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए यहां पर रखना है आपको 6x प्लस 2 में, अब 6x प्लस 2 में यहां x के स्थान पर क्या रखना है आपको 3 प्लस h, क्या रखना है 3 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 6 और 3 प्लस h, ठीक है 3 प्लस h एंड प्लस 2, 3 प्लस h एंड प्लस 2, तो ये हो रहा भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहां पर वैल्यू हो जाएगी कितनी 6 18 प्लस 6h प्लस 2, तो ये हो रहा है भाई लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 20 प्लस 6h, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा 20 प्लस 6 गुणे 0 यानी कि 20 आ गया। तो यहां पर आपने गौर किया कि LHL RHL नॉट इक्वल टू है, LHL का मान निकाला था माइनस 6, RHL का मान निकाला 20, ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं आप कि चूंकि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है या असतत है, ठीक है, फलन सतत नहीं है या आप कह रहे हैं कि असतत है, डिसकंटिन्यूटी प्रदर्शित कर रहा है। अब कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के सवालों में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने कॉन्सेप्ट और एग्जांपल नहीं देखे हैं वो कॉन्सेप्ट एग्जांपल जरूर देखें, इसके अलावा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो डाला है, ठीक है, फुल क्रैश कोर्स वाली एक प्लेलिस्ट बनी है वहां पर जाके देखिएगा, वो बहुत ही अच्छा वीडियो कंटिन्यूटी पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो डला है, उसको जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा फायदेमंद यूजफुल होगा अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखा है मैंने, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा अगर लाइव क्लासेस चाहते हो तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर रेगुलर तौर पर आपको पीडीएफ नोट्स हर चीज मिलती है, लाइव क्लासेस चलती है और मेरे द्वारा आपको डाउट क्लियर कराए जाते हैं, तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आपको कह रहा है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो यदि एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो पर निकालते हैं एलएचएल की बात कर लेते हैं। अब यहां ध्यान देना एक्स नॉट इक्वल टू जीरो कह रहा है ना, यहां पर ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए एलएचएल आरएचएल दोनों ले लेंगे इसी के लिए नॉट इक्वल टू के लिए, और फंक्शन की वैल्यू लेंगे यहां से एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है। तो एलएचएल की अगर मैं बात करूं तो एलएचएल कैसे भाई कि आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, है ना, और यहां से वैल्यू बन जाएगी कि भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, देन क्या हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ माइनस एच, है ना, और LHL RHL के लिए दोनों के लिए यहां पर रखना है अपन को मॉड x अपॉन x, तो x के स्थान पे रखना है माइनस h, x के स्थान पे क्या रखना है माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो मॉड के अंदर माइनस h अपॉन में माइनस एच, ठीक है, तो मॉड से जब वैल्यू बाहर निकलेगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा एच अपॉन माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एलएचएल का मान निकला माइनस एक, आरएचएल की बात कर लेते हैं, ठीक है, एलएचएल हो गया आरएचएल, तो आरएचएल के लिए क्या भाई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, देन ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, देन लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एच, ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। अब यहां पर भी आपको वही वैल्यू मॉड x अपॉन x में ही रखना है, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो मॉड x अपॉन x था ये, मॉड x अपॉन x में x के स्थान पे h रखना है, तो कितना निकल के आएगा मॉड h अपॉन h, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो h अपॉन h, तो यहां से क्या निकलेगा कि भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड 1 निकलेगा और यहां से आपको मिल जाएगा 1। तो यहां पर आपने गौर कर लिया कि LHL का मान, LHL का मान, LHL की जो वैल्यू निकाली वो थी माइनस एक एंड RHL का जो मान निकाला वो आया प्लस का एक, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि चूंकि LHL
नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसीलिए x बराबर किस पर, जीरो पर, x बराबर जीरो पर फलन असतत है, फलन असतत है। क्लियर है बात मेरी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि भाई एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मॉड एक्स यदि एक्स लेस देन जीरो कह रहा है एंड माइनस वन यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कह रहा है। सवाल में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरीके के, आपने इस तरीके से सवाल लगा लिए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी कब होती है, जब फंक्शन की वैल्यू अपरिभाषित हो जाए, एल एच एल आर एच एल बराबर ना हो, या फिर फंक्शन का मान एल एच एल आर एच एल के बराबर ना हो जाए। ये तीन कंडीशन मैंने पिछले वीडियो में डिसकंटिन्यूटी वाले में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो याद रखना कि आपको पहला वाला वीडियो भी देखना है और ये वाला वीडियो, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। और प्रैक्टिस दम से करनी है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, याद रखिएगा, प्रैक्टिस दम से करोगे तब चीजें बनेंगी, समझ लो, गांठ बांध लो। मेहनत जितनी करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ में, मैथ आपको रट नहीं सकते, एक बात ध्यान रखना कि कोई रट ले, जब तक आप कॉपी पेन में लिखोगे नहीं तब तक बात बननी भी नहीं है, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू आपको जो फंक्शन निकालना है वो बिंदु है x बराबर जीरो पर। एल एच एल आर एच एल की मैं बात कर लेता हूं, तो एल एच एल के लिए अगर मैं कहूं तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा भाई लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, ठीक है। अब एल एच एल के लिए क्या, लेस देन में रखना है ये वाला पार्ट, x अपॉन मॉड x की बात है ना। तो यहां पर आप ले रहे हैं कि भाई लिमिट h टेंस टू जीरो f माइनस एच, एंड यहां रखना है x के स्थान पर x अपॉन मॉड x में, तो ये हो रहा भाई लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h अपॉन मॉड माइनस एच। तो यहां से कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h अपॉन मॉड x, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एक आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक, एल एच एल की वैल्यू आ गई माइनस एक। आर एच एल की बात कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, आर एच एल, आर एच एल देख लेते हैं, तो कितना कि लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स देन लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। तो यहां से कितना हो रहा भाई कि लिमिट h टेंस टू जीरो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच। अच्छा, आर एच एल के लिए क्या रखना है, ग्रेटर देन, देखो ये रहा ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन ये है, तो ग्रेटर देन के लिए कितना रखना है, माइनस एक रखना है, तो डायरेक्ट माइनस एक रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एक आएगा एंड आर एच एल की वैल्यू आ गई माइनस एक, ठीक है। एल एच एल आर एच एल दोनों का मान अभी बराबर है, अभी दोनों का मान जब बराबर है तब जाके आप फंक्शन की वैल्यू देखोगे। और बराबर का निशान कहां पर दे रहा, बराबर का निशान देख रहे हो, ये दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए दिया, ठीक है, बराबर का निशान x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए दिया है, तो यहां पर माइनस एक डायरेक्ट लेना है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं, चूंकि एफ एक्स बराबर माइनस एक, ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर एफ जीरो हो जाएगा माइनस एक। तो यहां पर आपने क्या गौर किया कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो, इसीलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है, फलन सतत है, कोई दिक्कत नहीं सवाल में, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस प्रकार से दे रहा है कि भाई एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि एक्स लेस देन वन, ठीक है। एक्स बराबर एक पर निकालने के लिए कह रहा है, एल एच एल की बात कर लेते हैं, एल एच एल आपको लेस देन के लिए लेना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, ठीक है। अब यहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स के स्थान पर वन माइनस एच रखना है, ठीक है। तो ये हो रहा है वैल्यू भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स के स्थान पर वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू ए बी करना है यानी दो गुणे वन गुणे एच, इतना हो गया एंड प्लस वन। तो यहां पर ये निकल के आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो वन प्लस एच माइनस टू एच प्लस वन, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू जीरो टू प्लस एच, अच्छा ये h माइनस टू एच कितना हो जाएगा, यहां h स्क्वायर है, h स्क्वायर करना है,
ठीक है, ये एच स्क्वायर करना है तो 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0, तो यहां से LHL का मान आ गया 2, LHL की वैल्यू आ गई भैया 2, ठीक है। RHL की बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें RHL की, ठीक है, तो RHL के लिए देखिए ये कितना हो जाएगा, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इतना, ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, ठीक है। अब RHL के लिए ग्रेटर देन में रखना है आपको, ग्रेटर देन में कहां, यहां x प्लस 1 में, x प्लस 1 में x के स्थान पे 1 प्लस h रखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x के स्थान पे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है मान कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h हो गया, ठीक है। देन आप वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे, तो 2 प्लस 0 बराबर 2, तो LHL RHL का मान दोनों का 2-2 आ गया, ठीक है, दोनों का आप वैल्यू 2-2 देख रहे हो। अब अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ग्रेट बराबर का निशान कहां लगा, बराबर का निशान ये लगा, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जहां पर बराबर का निशान लगा होगा वही आप फंक्शन की वैल्यू लोगे, तो fx बराबर ले रहे हैं x प्लस 1, ठीक है, क्या कर रहे हैं fx बराबर, चूंकि चूंकि fx बराबर x प्लस 1 और ले रहे हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर f1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आपने क्या गौर किया कि भाई LHL जो मान निकाला, LHL का मान भी 2 था, LHL का मान 2 आया, देन RHL का मान निकाला, RHL का मान 2 आया, एंड x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी 2 आई, तो यहां से अब आप फाइनल तौर पे कह देंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F1, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों चीजें बराबर आ गई, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है, ठीक है, कंटिन्यूटी प्रदर्शित करता है, संतत है। क्वेश्चन नंबर 11 की आप बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है इस प्रकार से कि fx बराबर x क्यूब माइनस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 2, ये आपको सवाल कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। x बराबर 2 पर LHL की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं बात करूं LHL की तो क्या लिख रहे हैं आप कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। अब लेस देन के लिए ये रहा लेस देन, भाई लेस देन के लिए यहां x क्यूब में रखना है आपको, x क्यूब माइनस 3 है तो यहां x के स्थान पे 2 माइनस h रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h क्यूब, ठीक है, x क्यूब माइनस 3 है ना, x क्यूब माइनस 3, तो x के स्थान पे 2 माइनस h यानी 2 माइनस h क्यूब और माइनस का 3। अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 2 क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी एच क्यू माइनस 3 ए भी नहीं, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे एच और कोष्टक में ए माइनस बी यानी 2 माइनस एच एंड माइनस 3, ठीक है। तो आपको ए माइनस बी का होल क्यू आना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए भी एंड कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको अभी ओपन करना है, तो ये हो जाएगा भाई लिमिट एच टेंस टू 0 8 माइनस एच क्यू माइनस 6 एच का गुणा करेंगे 2 माइनस एच में माइनस का 3, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा आगे कि भाई लिमिट एच टेंस टू 0 8 माइनस एच क्यू माइनस 6 दुनी 12 एच माइनस माइनस प्लस 6 एच स्क्वायर माइनस 3। तो यहां से क्या हो जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू 0 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, तो 5 माइनस एच क्यू प्लस 6 एच स्क्वायर माइनस 12 एच, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 माइनस 0 का क्यूब प्लस 6 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 12 गुणे 0, तो ये हो जाएगा 5। यहां पर LHL का मान कितना आ गया 5। अब RHL की बात कर लेते हैं, ठीक है, अब RHL की बात कर लेते हैं, तो RHL, ठीक है, RHL की बात कर लें तो RHL के लिए क्या ग्रेटर देन में रखना है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करेंगे तो यहां पर रखते हैं लिमिट h टेंस टू x टेंस टू, शुरुआत तो x से करेंगे ना, फिर बदलेंगे h में, तो x टेंस टू 2 प्लस fx इतना आएगा। देन ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 एंड f 2 प्लस h, ठीक है। अब ग्रेटर देन में आपको यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 में x के स्थान पे, किसके स्थान पे, x के स्थान पे भैया 2 प्लस h रख देंगे, ठीक है ना, x के स्थान पे, तो लिमिट h टेंस टू 0
2 प्लस एच रखना है, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर ओपन करते हैं तो ये लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आएगा 4h प्लस 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा ये यहां पर 5 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 गुणे 0, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि वैल्यू आ गई 5, ठीक है। LHL RHL दोनों का मान 5-5 आया था, LHL का मान भी 5, RHL का मान भी 5। अब फंक्शन की वैल्यू कहां निकालोगे, बराबर के लिए तो x लेस देन इक्वल टू 2 दिया है वहां पर एक्स क्यू माइनस 3 में, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो fx बराबर क्या लेंगे, चूंकि fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3। अब x बराबर किस पर, x बराबर 2 पर निकाल लेते, x बराबर 2 पर निकालना था अपन को, ठीक है ना, x बराबर 2 पर निकाल लेते। तो x बराबर 2 पर यानी f 2 बराबर हो जाएगा 2 क्यूब माइनस का 3, यानी 8 माइनस 3 बराबर 5। तो अब यहां पर आपने निश्चित तौर पे देख लिया कि भाई जो सवाल है वो कंटिन्यूटी प्रदर्शित कर रहा है x बराबर 2 पर। LHL का मान आया 5, ठीक है। RHL का मान भी आपने देखा था, RHL का मान भी आया 5, ठीक है। एंड x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी आ गई 5। तो यहां पर आप फाइनल तौर पे आपने क्या कह दिया कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f2, इसीलिए x बराबर 2 पर फलन सतत है, ठीक है, सतत है। तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत ही स्मूथली तरीके से चल रहे हैं आपको, बहुत ही, देखिए मैं ये कह सकता हूं कि कंटिन्यूटी के सवाल में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट होता है, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, आपको कह रहा है भाई fx बराबर इस तरीके से x की पावर 10 माइनस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 1 कह रहा है, एंड x स्क्वायर कह रहा है यदि x ग्रेटर देन 1, ठीक है। सवाल आपको पता है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 1 के लिए निकाल देंगे, LHL एंड RHL की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो LHL अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, कितना लिमिट x के लिए निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ठीक है। एंड यहां से आपको मिल जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, ठीक है। अच्छा, LHL के लिए लेस देन की वैल्यू यहां पर कह रहा, ठीक है, तो x की पावर 10 माइनस 1 इसमें रखना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा x के स्थान पर रख रहे हैं 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1। अच्छा, 1 माइनस एच की पावर 10 है तो घात 10 के लिए आपको फॉर्मूला तो याद होगा नहीं, ना बनाने की जरूरत है, वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, यानी 1 माइनस एच के स्थान पे 0 की पावर 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 10 माइनस 1, यानी हो जाएगा 1 माइनस 1। तो LHL का मान आ गया 0, LHL का मान 0 आ गया। RHL की बात कर लेते हैं, ठीक है, RHL की बात कर लेते हैं यहां पर, RHL, तो RHL के लिए क्या भाई कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx देन लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, है ना, और ग्रेटर देन के लिए रखना है यहां पर x स्क्वायर में, है ना, तो x स्क्वायर में रखना है, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, है ना। वैल्यू पुट कर दो भाई, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 0, यानी आ गया 1। तो LHL का मान आया 0, RHL का मान आया 1। यहां पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि LHL RHL दोनों ही नॉट इक्वल टू आ गए। जब भी LHL RHL दोनों नॉट इक्वल टू हो, बराबर ना है, तो फिर फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत रह भी नहीं जाती, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूटी बता रहा है। LHL का मान आया 0 एंड RHL का मान आया 1, तो यहां पर आप डायरेक्ट कह देंगे कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन असतत है, ठीक है, फलन असतत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है इस प्रकार से, और कह रहा है कि क्या fx बराबर x प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, इस बारे में अपन को
चर्चा करनी है। तो सवाल बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, पीछे जैसे आपने सवाल लगाए एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में अभी तक जो सवाल लगाते आए हो उसी प्रकार करना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये सारे सवाल बेसिकली आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं, एलएचएल लेते हैं, एक्सप्रेस वन पर निकालना जैसे आपको दिया है। तो लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, है ना। तो यहां से क्या चीज निकल के आएगी भाई कि लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच। अब लेस देन कहां है भाई, लेस देन ये रहा, x के स्थान पे आपको 1 माइनस एच रखना है। तो ये निकल के आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस एच प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। तो ये यहां से कितना हो जाएगा भाई कि लिमिट एच टेंस टू जीरो 6 माइनस एच, वैल्यू पुट करेंगे तो 6 माइनस जीरो बराबर 6। तो LHL का मान आ गया। अब बात कर लेते हैं RHL की। तो अगर मैंने कहा RHL, तो RHL के लिए आप क्या देख पा रहे हैं कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, यानी ये हो जाएगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच। अब ग्रेटर देन के लिए RHL में रखना है और यहां पर x माइनस फाइव है तो x के स्थान पे वन प्लस एच रखना है। तो ये कितना निकल के आएगा भाई कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड वन प्लस एच माइनस फाइव। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस फोर, वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना कि 0 माइनस 4 बराबर माइनस 4। अब देखो LHL RHL की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, आपने ये गौर किया कि LHL का मान आया था 6, LHL का मान कितना है 6 और RHL का मान आप देख पा रहे हो माइनस 4। तो अब फंक्शन की वैल्यू बराबर आपको नहीं निकालनी, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसकंटिन्यूटी अगर आप दिखा रहे हो तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या दिखाया कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL इसलिए x बराबर 1 पर फलन असतत है, ठीक है, असतत है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी प्रदर्शित कर रहा। आगे आपको सवाल कह रहा है कि फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 15 16 इसी पर आधारित कह रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपको इस प्रकार से दे दिया कि एफ एक्स बराबर 3 यदि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 4 यदि 1 लेस देन एक्स लेस देन 3 एंड 5 यदि 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब यहां पर आप अगर अंकों को पकड़ो तो एक 0 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है और 10 दिया है। तो यहां पर आप चार फलन बनाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्लीट फलन बनाने के लिए आप अगर गौर करेंगे तो देखिए एक्स के लिए दिया है, 1 के लिए दिया है, ठीक है, कंप्लीट फलन बनाने के लिए 1 के लिए दिया है एंड 3 के लिए दिया है, ठीक है। कंप्लीट फलन आप 1 एंड 3 का बना सकते हो। कंप्लीट फलन अगर आप बनाओगे लेस देन एंड इक्वल लेस देन एंड ग्रेटर देन को इंक्लूड करके, लेस देन और ग्रेटर देन लेके अगर आप कंप्लीट फंक्शन बनाना चाहते हो तो यहां से सिर्फ 2 के लिए बनेगा, एक बनेगा x बराबर 1 के लिए, एक बनेगा x बराबर 3 के लिए, ठीक है। तो यहां से आप 2 फंक्शन निकाल के दिखा रहे हो, कौन कौन से देख लो। एक तो फंक्शन आपका बनेगा x बराबर 1 के लिए, तो अगर मैं 1 के लिए बनाता हूं तो एफ एक्स बराबर कैसा कि 3 आएगा जब यहां पर देख रहे हो x लेस देन इक्वल टू 1 दिया है एंड 4 आएगा वेयर x ग्रेटर देन 1 दिया है, ठीक है। यहां पर अगर गौर करें तो ये 1 लेस देन x है और ये बात पहले भी हो चुकी है 1 लेस देन x के लिए क्या कि x की तरफ मूव ओपन है, यानी x ग्रेटर देन के लिए बात कर रहा है। तो ये हो गए x बराबर 1 के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 3 के लिए, x बराबर 1 के लिए हो गए, x बराबर 3 के लिए आप ओपन करेंगे तो एफ एक्स बराबर, अब 3 के लिए क्या भाई 4 आएगा कब जब x लेस देन 3 है एंड 5 आएगा कब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। यहां से बन जाएगा x लेस देन 3 एंड यहां पर आप बना रहे हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये बना रहे हो, ठीक है। अब आप LHL RHL की बात कर लेते हैं, ठीक है। LHL RHL की अगर हम यहां से बात करें तो LHL देखिए LHL, ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो देख लेते हैं भाई लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, देन ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। अच्छा LHL के लिए क्या लेस देन वाला पार्ट रखना है, यानी 3 आएगा यहां पर, क्या रखना है 3 आएगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 3 आ जाएगा क्योंकि लेस देन के लिए सिर्फ आपको 3 दिया, ठीक है। तो यहां से वैल्यू LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहीं पर अगर मैं RHL की वैल्यू निकालता किसकी RHL की, तो RHL के लिए वैल्यू निकालना है तो x बराबर 1 पर निकालना है, तो भाई लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो यहां से क्या निकल के आएगा कि लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, ठीक है। अब ग्रेटर देन RHL के लिए क्या, ग्रेटर देन लोगे और उसके लिए क्या वैल्यू 4 है, तो 4 रख दोगे, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू 4 पुट कर दोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 4 आ जाएगा, तो RHL का मान आ जाएगा 4। तो यहां पर आपने गौर किया कि भाई LHL का मान है 3, RHL का मान आपने निकाला 4, तो चूंकि LHL एंड RHL नॉट इक्वल टू है, चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन असतत है, फलन असतत है, क्लियर है बात। अब x बराबर 3 के लिए कह रहा था, तो भाई x बराबर 3 के लिए देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल इसी तरह लगा देंगे जैसे ये वाला किया था, ठीक है। और सवाल आपसे अच्छे प्रकार से बनने चाहिए, कंटिन्यूटी को मैं मानता हूं कि बहुत सिंपल है अगर स्टूडेंट सही से उसे समझता है, सही से प्रैक्टिस करता है, ठीक है, लेकिन हवा मत बनाया करो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूटी को बहुत कठिन मान लेते हैं और बना लेते हैं अपनी तरफ से। अब x बराबर 3 की बात कर लेते हैं, तो x बराबर 3 पर, ठीक है, x बराबर 3 की बात कर लो, LHL निकालो, LHL क्या, LHL, तो भाई कैसे कि लिमिट लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, अब लेस देन का ये लेस देन 4 आएगा, तो पहले तो लिमिट h टेंस टू 0 f, ये बनना है 3 माइनस h, अब लेस देन के लिए आपको रखना है 4, ठीक है, लेस देन के लिए कितना रखना है 4, तो वैल्यू तो सीधी सीधी 4 हो जाएगी कि लिमिट h टेंस टू 0 4, तो वैल्यू आ गई 4। LHL हो गया, RHL की बात कर लो भैया, RHL, RHL अगर आप निकाल रहे हो x बराबर किसके लिए 3 के लिए, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, वैल्यू क्या पुट करनी है, ग्रेटर देन के लिए ये देख रहे हो, ग्रेटर देन के लिए कितना आना है 5 आना है, तो ग्रेटर देन के लिए आप डायरेक्ट वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 5, तो वैल्यू आ जाएगी 5। और यहां पर आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हो कि LHL का मान आपने 4 निकाला एंड RHL का मान आप फाइव निकाल रहे हो, ठीक है, तो चूंकि LHL not equal to RHL, इसीलिए x बराबर 3 पर फलन असतत है, फलन असतत है, क्लियर है बात। इस तरीके से दिखाना था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होती है वीडियो को रिवर्स करो, अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो और सवालों को लगाओ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, आपको सवाल दिया एफ एक्स बराबर 2x कि यदि x लेस देन 0 दे रहा, ठीक है, 0 दे रहा, यदि आपको कह रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 एंड 4x कह रहा वेयर x ग्रेटर देन 1, तो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन है वो दो चीजों में बटा हुआ है, एक x बराबर 0 पर, एक x बराबर 1 पर, और कंप्लीट बन रहा है x बराबर 0 के लिए एंड x बराबर 1 के लिए कंप्लीट फंक्शन बन रहा है, तो यहां से आप दो चीजों में तोड़ रहे हो, एक तो बात कर ले x बराबर 0 के लिए, ठीक है, तो यहां से फंक्शन क्या बना रहा है कि एफ एक्स बराबर ये ले रहे हैं 2x वेयर x लेस देन 0 एंड 0 वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूं x बराबर 1 के लिए, आप देख पा रहे हैं कि fx बराबर तो 0 वेयर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4x वेयर x ग्रेटर देन 1, इतना। तो x बराबर 0 की बात कर लेते हैं, x बराबर 0 पर, ठीक है, LHL निकाल लें, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा कि भाई लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, देन लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। अब अगर किसी को इन दोनों लाइनों में दिक्कत आ रही है, मैं एक बात बता दूं, इन दोनों लाइनों में आपको सोच रहे हो कि ये दोनों लाइनें कैसे लिख देते, तो इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट तैयार नहीं किया है, कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए, वहां पर मैंने हर एक चीज क्लियर की थी। तो निश्चित तौर पर एक्सरसाइज 5.1 का जो पार्ट 1 था, जहां पर एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए थे, उसको जरूर देख लीजिएगा निश्चित तौर पर। और इंपॉर्टेंट वीडियो का एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसका एक वीडियो डाला है, वो देखना मत भूलिएगा, उसको जरूर देखना। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी कि लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, है ना, इस तरीके से। अब LHL में लेस देन के लिए क्या रखोगे, ये लेस देन रहा, यहां पर 2x देख रहे हो, x के स्थान पे माइनस h रख दोगे, तो ये हो जाएगा भाई लिमिट h टेंस टू 0 2 एंड माइनस h, इतना आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2h, ये कर रहे हैं अपन लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 2 गुणे 0, तो यहां से आपको वैल्यू मिलनी है बराबर 0। तो LHL आ गया, अब बात कर लेते हैं RHL के लिए, ठीक है, RHL, तो RHL के लिए क्या भाई कि लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx,
ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो प्लस h, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो f h, जीरो प्लस h कितना हो जाएगा f h हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा जीरो प्लस h f h। अब RHL के लिए यानी ग्रेटर देन के लिए आप क्या रख रहे थे, देखो यार ग्रेटर देन के लिए आप जीरो रख रहे थे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो रखने पर कितना कि भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पर जीरो रखना है, डायरेक्ट कह रहा है फंक्शन की वैल्यू जीरो ही कह रहा है, तो यहां पर वैल्यू आ गई जीरो। अब LHL RHL के दोनों का मान बराबर आ रहा, जब दोनों का मान बराबर आ रहा है तब जाके आप फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करोगे, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, देखो भाई बराबर का निशान कहां ला, ये लिया बराबर निशान x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये बराबर का निशान यहां पर है, तो फंक्शन की वैल्यू आपको लेनी है जीरो x बराबर जीरो के लिए, ठीक है, तो यहां पर आप कर रहे हैं कि भाई एफ एक्स बराबर जीरो x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर कितना f जीरो बराबर जीरो। तो अब यहां पर आप गौर कर लो LHL RHL सबकी वैल्यू जीरो आ रही है, LHL का मान कितना निकाला जीरो, RHL का मान आप कितना निकाल रहे हैं जीरो, एंड फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो हो रही है, तो निश्चित तौर पे आपने यहां पर क्या कह दिया कि चूंकि LHL LHL बराबर RHL बराबर f जीरो, इसलिए x बराबर जीरो पर फलन सतत है, फलन सतत है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत ही सिंपल जा रहे हैं, एक ही तरीके के सवाल लगते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं x बराबर 1 के लिए, कह रहा था x बराबर 1 के लिए बात कर रहा था, तो यहां पर बात कर लेते हैं x बराबर 1 के लिए निकालना है, x बराबर 1 पर LHL RHL निकालते हैं पहले, तो LHL, ठीक है, तो LHL की बात कर ले, तो अगर हमने LHL निकाला तो ये हो जाएगा भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, यहां से क्या निकलना है भाई कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन माइनस एच, ठीक है, अच्छा लेस देन के लिए क्या रखना है, लेस देन के लिए जीरो रख रहे हो, ये देख रहे हो ना जीरो, तो लेस देन के लिए जीरो रखना है, तो लिमिट सीधी जीरो रख दोगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और फंक्शन की वैल्यू जीरो कह रहा था, तो यहां पर आ जाएगा जीरो। LHL आ गया, RHL की बात कर लो भाई, RHL, तो RHL के लिए क्या देख रहे हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स, देन ये हो जाएगा लिमिट एंड एक्स एच टेंड्स टू कितना, लिमिट एच टेंड्स टू, अब इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स को एच में, तो एच टेंड्स टू जीरो एंड एफ वन प्लस एच हो गया। अब आर एच एल में वैल्यू आपको ग्रेटर देन वाली रखनी है, ग्रेटर देन में यहां फोर एक्स, तो एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, एक्स के स्थान पे वन प्लस एच फोर, ये हो जाएगा फोर एक्स है ना, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फोर एंड एक्स के स्थान पे वन प्लस एच, इस प्रकार से, तो ये यहां से क्या मिल गया आपको कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फोर प्लस फोर एच, वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करेंगे तो चार प्लस चार गुणे जीरो, तो ये हो जाएगा चार प्लस जीरो बराबर चार। तो यहां पर आप गौर कीजिए कि LHL का मान आपने x बराबर वन पर LHL का जो मान निकाला वो कितना निकाला, जीरो निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, RHL का जो मान निकाला वो आया 4, तो निश्चित तौर पे आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, अब यहां पर ध्यान देना कि LHL और RHL बराबर नहीं आए, तो अब फंक्शन की वैल्यू आपको फर्दर निकालने की जरूरत नहीं है, और आगे फंक्शन की वैल्यू निकालो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन असतत है, फलन असतत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया, अब आपको सवाल बन जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सवाल दे रहा है एफ एक्स बराबर माइनस दो यदि एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, टू एक्स यदि माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू वन, एंड टू यदि एक्स ग्रेटर देन वन, इतना सवाल कह रहा है। अब यहां पर आपको माइनस वन एंड प्लस वन की बात कर रहा है, तो फंक्शन जो है वो दो में बांट देंगे आप, दो चीजों में टू ट्राई फंक्शन, ठीक है, तो एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स बराबर कितना, पहले माइनस एक के लिए बात कर लेते हो, तो माइनस टू वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस एक, एंड टू एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है, और प्लस वन में तोड़ लेते हैं, तो प्लस वन के लिए कितना हो जाएगा भाई, एफ एक्स बराबर टू एक्स वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड टू वेयर एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों पे सवाल हल कर लेते हैं, तो सबसे पहले लेंगे x बराबर माइनस वन पर, x बराबर माइनस एक पर LHL, ठीक है, माइनस एक पर LHL की बात कर रहे हैं, तो यहां से क्या निकलना भाई कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन माइनस एफ एक्स,
आपको ये दो लाइनें तो बननी चाहिए हर बार कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस वन माइनस एच, ठीक है। अब लेस देन के लिए आप क्या देख रहे थे, लेस देन के लिए यहां पर ये वैल्यू थी लेस देन की, और ये कह रहा था माइनस दो रखना है डायरेक्ट, तो माइनस दो डायरेक्ट रख देंगे बिना किसी उसके, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस दो, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई एल एच एल की, माइनस दो आ गई। आर एच एल के बारे में बात कर लेते भैया, आर एच एल, ठीक है। तो आर एच एल देखिए क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस वन प्लस एच, है ना। अब देखिए आर एच एल के आपको क्या रखना था, ग्रेटर देन में आर एच एल के लिए टू एक्स कह रहा, यानी एक्स के स्थान पे रखना है आपको माइनस वन प्लस एच, ठीक है, टू एक्स है। तो लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एक्स के स्थान पे रखोगे माइनस वन प्लस एच, गुणा कर देंगे अंदर, तो ये आपको मिलेगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू प्लस टू एच मिल जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस दो गुणे जीरो, तो यहां से मिलना है माइनस दो। अब यहां देखो एल एच एल और आर एच एल दोनों का मान बराबर आ गया, अब जाके फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो बराबर का निशान कहां लगा, देखो बराबर का निशान ये लगा, ठीक है। तो जहां बराबर का निशान लगा होगा वही देखोगे, ठीक है, ये लगा बराबर का निशान, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। तो फंक्शन कह रहा है माइनस दो के लिए, फंक्शन कह रहा है माइनस दो, तो चूंकि एफ एक्स बराबर माइनस दो, एक्स बराबर माइनस एक पर, अब x बराबर माइनस एक पर भी निकालोगे तो f माइनस एक बराबर माइनस दो, ठीक है। तो यहां से आपने निश्चित तौर पे क्या देख लिया कि एल एच एल का मान आया माइनस दो, देन आर एच एल का मान आपने निकाला, आर एच एल का आया माइनस दो मान, एंड फंक्शन की वैल्यू x बराबर माइनस एक पर माइनस दो आ रही है। तो क्या कह दिया आपने कि चूंकि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ माइनस वन, इसीलिए x बराबर माइनस एक पर फलन सतत है, फलन कंटिन्यूटी प्रदर्शित कर रहा है, क्लियर है बात। अब पॉजिटिव वन की प्लस वन की बात कर लेते हैं, यहां पर भाई प्लस वन क्या कह रहा था, तो एक्स बराबर एक पर, एक्स बराबर एक पर एल एच एल आर एच एल देख लेते हैं, एल एच एल, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, ठीक है, देन ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, और एल एच एल के लिए बात करें तो एल एच एल के लिए लेस देन ये रहा टू एक्स में रखना है अपन को, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एक्स के स्थान पे वन प्लस एच रख देंगे, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो दो प्लस टू एच, और h का मान अगर पुट करेंगे तो h का मान पुट करने पर कितना, लिमिट h टेंस टू जीरो h का मान पुट कर दो, ठीक है। तो h की वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा कि दो प्लस दो गुणे जीरो, तो वैल्यू आ गई टू, ठीक है, ये हो गया एल एच एल का मान। आर एच एल देख लेते भैया, आर एच एल, ठीक है, तो आर एच एल क्या कि आर एच एल हो जाएगा x बराबर प्लस वन के लिए बात कर रहे थे, तो लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच में, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ये दो लाइनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज मैंने 5.1 के जो एग्जांपल प्लस कॉन्सेप्ट वाला था उसमें बताया था, ठीक है। हाँ, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना कि आपके लिए ये जो वीडियो बनते हैं वो कितने यूजफुल रहते हैं, और जो आपको सब बताया जा रहा है कितना आपको फायदेमंद हो रहा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा भर भर के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आर एच एल की बात कर रहे थे, तो आर एच एल में ग्रेटर देन ये देख रहे, तो ग्रेटर देन के लिए वैल्यू थी टू, ठीक है, तो टू वैल्यू रख देंगे, और फंक्शन की वैल्यू यहां पर आप डायरेक्ट टू रखेंगे क्योंकि और कुछ तो है नहीं है, है ना, तो वैल्यू आ गई टू। तो आर एच एल एल एच एल दोनों का मान बराबर आ रहा, अब फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, तो एफ फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, ये देखो बराबर का निशान यहां दिया, फंक्शन की वैल्यू है टू एक्स, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू है 2x, तो एफ एक्स बराबर 2x, यानी x बराबर 1 पर अगर बात करें तो f1 कितना हो जाएगा 2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा f1 बराबर 2। तो एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई, एल एच एल का मान कितना आया 2, आर एच एल का मान कितना आया ये भी प्लस का 2, एंड x बराबर प्लस 1 पर f1 की वैल्यू आई 2। तो आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ वन, ठीक है, इसीलिए एक्स बराबर वन पर फलन सतत है, फलन सतत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कह रहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर आपको इस प्रकार से फंक्शन दे दिया कि ए एक्स प्लस वन यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है। अब सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि वो कंटिन्यूटी कह रहा है एक्स बराबर 3 पर, ठीक है। सवाल आपको पहले से कह रहा है कि एक्स बराबर 3 पर जो सब फंक्शन है वो कंटिन्यूटी प्रदर्शित कर रहा है। अब जब कंटिन्यूटी प्रदर्शित कर रहा है फलन एफ एक्स, तो आपको पता है कि चूंकि फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ 3, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूटी प्रदर्शित करने का मतलब क्या हो गया भाई? कंटिन्यूटी प्रदर्शित करने का मतलब ये हो गया कि एल एच एल आर एच एल और जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स बराबर 3 पर वो तीनों चीजें बराबर होगी। तो यहां से अब यहां पर हल करते हैं एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू के लिए और फिर देखते हैं ए और बी का मान कैसे आएगा, ठीक है। तो एल एच एल निकालते हैं एल एच एल, ठीक है। तो एल एच एल की अगर मैं बात करूं तो कैसे भाई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, ठीक है। और एल एच एल में वैल्यू रखनी है लेस देन वाली ए एक्स प्लस 1 में, तो यहां पर कितना पहले बनेगा भाई, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 माइनस एच, और यहां रख रहे हो आप यहां पर इस जगह एक्स के स्थान पे 3 माइनस एच, तो ए ये बनेगा 3 माइनस एच एंड प्लस 1, ठीक है प्लस 1, ये है लिमिट एच टेंड्स टू 0 के लिए, ठीक है। देन यहां से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 3a माइनस का 3h प्लस 1, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3 गुणे 0 प्लस 1, यानी ये कितना निकलेगा 3a प्लस 1। LHL हो गया। RHL की बात कर लेते हैं, RHL की बात कर लेते हैं, तो RHL में क्या भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। अब आपको RHL के लिए ग्रेटर देन वाली रखनी है वैल्यू, तो यहां पर x के स्थान पर रख रहे हैं 3 प्लस h, तो ये हो रहा है भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 b और ये आएगा यहां पर b x के स्थान पर 3 प्लस h प्लस 3, ठीक है। ओपन करते हैं इसको तो ये कितना मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 3b प्लस 3h प्लस 3, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे h का मान 0 तो 3b प्लस 3 गुणे 0 प्लस 3, तो ये कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3b प्लस 3। अब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू किस पर रहनी है, ये रहनी है इस पर, आपकी बराबर का निशान यहां दिया ना, बराबर का निशान देख रहे हो यहां ये दिया एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो इसके इस पर रहेगी ए एक्स प्लस 1 के लिए रहेगी, ठीक है। तो यहां पर रह रहे एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 और एक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर 3 पर तो कितना हो जाएगा एफ थ्री बराबर 3a प्लस 1। अब चूंकि आपको पता है कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ 3, ये लेना था। एल एच एल की वैल्यू कितनी निकाली 3a प्लस 1, ठीक है। आर एच एल की वैल्यू निकाली थी 3b प्लस 3 एंड फंक्शन की वैल्यू निकाली है आपने 3a प्लस 1। अब यहां पर एक चीज गौर कीजिए कि ये 3a प्लस 1 और 3a प्लस 1 एक ही चीज को है बता रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे कि नहीं दो को उठा लो, इन दोनों को ले लोगे, ठीक है, इन दोनों को ले लोगे बस और हल कर दोगे। तो यहां से आप हल करने के लिए क्या कर रहे हो कि 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1 एंड 3 कॉमन निकाल लो तो a माइनस b, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, ये यहां पर आपका लो 3a माइनस 3b बराबर 2, तो 3a बराबर कितना हो गया 2 प्लस 3b, 3 का भाग दे देते हैं तो a बराबर 2 प्लस 3b अपॉन 3, ठीक है। तो a बराबर हो गया 2 बटे 3 प्लस 3b अपॉन 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई फाइनल, a की वैल्यू आ गई 3 से 3 कट गया तो b प्लस 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है वीडियो को रिवर्स करो, अच्छे से समझो, चीजें आपसे बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए फलन एफ एक्स दे दिया है द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। आपको लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है, किस मान के लिए पूछ रहा है और x बराबर 1 पर इसके संतत्व पर विचार कीजिए। तो फंक्शन आपके पास ये है, अब आपसे कह रहा है कि चूंकि x बराबर 0 पर फलन संतत है
और जब कंटिन्यूटी प्रेजेंट कर रहा है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो। अब यहां पर वैल्यू फाइंड करते हैं तो एल एच एल, एल एच एल की बात कर लें तो कितना आएगा भाई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो यहां से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, और ये कितना हो जाएगा भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच। ठीक है, अच्छा लेस देन के लिए ये रहा, यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है एक्स के स्थान पे, तो लैम्डा, तो ये कर रहे हैं अपन यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो लैम्डा एंड एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पे माइनस एच का स्क्वायर, देन माइनस का टू एक्स है तो माइनस टू एक्स के स्थान पे माइनस एच, इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां पर अपन ने पुट कर दिया ये लेस देन के लिए इस जगह पर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इस जगह पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो लैम्डा एंड ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 2h। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा एंड जीरो स्क्वायर प्लस 2 गुणे जीरो, तो ये हो जाएगा लैम्डा गुणे जीरो, तो ये वैल्यू निकल के आ रही जीरो। ठीक है, लैम्डा गुणे जीरो कितना हो जाएगा, ये यहां पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एल एच एल हो गया, देन आर एच एल की मैं बात कर लूं, आर एच एल। ठीक है, तो आर एच एल के लिए भैया क्या कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच। ओके, अब यहां पर ग्रेटर देन के लिए यहां पर रखोगे फोर एक्स प्लस वन में। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो फोर एक्स प्लस वन था, तो ये हो जाएगा फोर एच प्लस वन, तो फोर गुणे जीरो प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए भाई, एल एच एल का मान जो आपने निकाला वो आया जीरो एंड आर एच एल का मान जो आपने निकाला वो आया वन, तो यहां पर आप क्या कह रहे हो कि चूंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसीलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत्य नहीं है, संतत नहीं है, तो संतत है ही नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू भी यहां पर एक्स बराबर जीरो पर ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, तो सवाल आपका इसी तरीके से जाएगा क्योंकि वो पूछ रहा था लैम्डा एक्स बराबर जीरो पर लैम्डा का मान, और एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूटी प्रदर्शित ही नहीं कर रहा, तो लैम्डा का मान भी संभव नहीं होगा। फिर कह रहा था सवाल आपको कि एक्स बराबर वन पर निकालो, एक्स बराबर कितने पर निकालो, वन पर ज्ञात करो, तो एफ एक्स बराबर कितना था भाई, एफ एक्स की अगर मैं बात कर लूं, एफ एक्स कह रहा था कि फोर एक्स प्लस वन, एफ एक्स कितना कह रहा था, ये कह रहा था भाई लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स प्लस वन वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब एक चीज समझो, एक्स बराबर वन पर निकालना है तो एक्स बराबर वन क्या है, जीरो से बड़ा, तो एल एच एल एंड आर एच एल दोनों के लिए ही आप कौन सी वैल्यू रखोगे, ग्रेटर देन वाली। ठीक है, ग्रेटर देन वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं एल एच एल आर एच एल फंक्शन की वैल्यू, तो एल एच एल की बात कर लेते हैं, एल एच एल। ठीक है, एक्स बराबर वन पर निकालना है ना, एक्स बराबर वन पर। ठीक है, तो लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, देन ये हो जाएगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच। अब ग्रेटर देन के लिए यहां पर ये वैल्यू पुट करोगे फोर एक्स प्लस वन के लिए, एक्स के स्थान पर रख रहे हो वन माइनस एच, तो ये हो रहा है लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड फोर वन माइनस एच प्लस वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर माइनस फोर एच प्लस वन। अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे एच का मान जीरो, तो फोर माइनस चार गुणे जीरो प्लस एक, तो ये हो जाएगा कितना, फोर माइनस जीरो प्लस वन यानी कि फाइव। तो एल एच एल आ गया, देन आर एच एल की बात कर लेते हैं। ठीक है, आर एच एल आर एच एल, तो यहां से आप क्या कह रहे हो भाई कि लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्रेटर देन के लिए यहीं पर रखोगे वैल्यू, और एक्स के स्थान पे वन प्लस एच रखना है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर वन प्लस एच प्लस वन। ठीक है, इतना हो जाएगा, चार का गुणा कर लो अंदर, तो ये निकल के आएगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड फोर प्लस फोर एच प्लस वन, तो वैल्यू पुट करेंगे तो चार प्लस चार गुणे जीरो प्लस एक, तो यहां से कितना निकलेगा,
5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या गौर किया कि भाई LHL, LHL का मान कितना आया 5, ठीक है, और RHL का मान आया 5। अब फंक्शन की अगर वैल्यू मैं कहूं तो FX बराबर 4X+1 लोगे, देन X बराबर 1 पर F1, F1 का मान कितना 4×1+1 यानी 4+1 यानी कि हो गई वैल्यू 5। तो यहां पर आपने क्या गौर किया कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू F1, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू X बराबर 1 पर F1 बराबर है, तो यहां पर आप कह देंगे कि चूंकि आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना, लैम्डा का मान ज्ञात करना था लेकिन लैम्डा का मान मिला नहीं, ठीक है, सवाल कह रहा था x बराबर 1 पर कंटिन्यू इस पर सांतत्य पर विचार कीजिए, x बराबर 1 पर सांतत्य पर विचार कीजिए, तो पहली बात तो x बराबर 1 पर फलन सांतत्य है, ठीक है, चूंकि इतना है इसलिए x बराबर 1 पर फलन सांतत्य है या कंटिन्यूटी प्रदर्शित करता है, सतत है, ठीक है, इतना आप दिखा रहे हो। और लैम्डा की अगर मैं बात कर दूं तो यहां पर आप कह सकते हो कि लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए, लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए x बराबर 1 पर फलन सतत है, यह भी आप बोल सकते हो। यहां पर क्या बोल सकते हो कि लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए, क्योंकि लैम्डा असर ही नहीं कर रहा है उस पर, है ना, तो लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए x बराबर 1 पर फलन सतत है, ठीक है, इस तरीके से दिखा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं और यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के अंतर्गत वहां पढ़ा है। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से बताया था आपको। जो मैंने 5.1 का पार्ट 1 वाला जो वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से महत्तम पूर्णांक फलन कार्य करता है, ठीक है, उदाहरण नंबर 15 था, ठीक है, एग्जाम्पल जो 15 था उसमें आपने समझा था कि महत्तम पूर्णांक फलन किस तरीके से वर्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर x दिया है, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहां बड़े कोष्ठक के अंदर ये जो x है उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो मैंने उदाहरण नंबर 15 में बताया था कि किस तरीके से महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो वर्क करता है। मतलब अगर मैं बात करूं निगेटिव संख्या की, यानी कि -2.3 है तो इसके लिए ये निकल के आता है -3, ठीक है। तो यहां पर अपन करते क्या है कि इस -2 में अगर कोई संख्या निगेटिव है तो -2 और -1 करते हैं, तब जाके वो -3 हो जाता है। लेकिन यहीं पर वो चीज अगर 2.3 होती तब सिर्फ इसका तब ये बनता है 2, तो इसके लिए क्या करते हैं सिर्फ यहां पर ये जो 2 होता है इसको उठा लेते हैं तो ये बन जाता है 2। इसका मतलब क्या कि अगर कोई संख्या निगेटिव में है, यानी आप कह रहे हैं अगर a माइनस h है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, माना a कोई पूर्णांक है तब a माइनस h, तब जो a माइनस h होगा इसके लिए आप लेंगे a माइनस 1, समझ गए बात, a माइनस 1 लेंगे a माइनस h, यानी LHL के लिए, जो a माइनस h बनेगा वहां पर a माइनस 1 लेंगे, एंड RHL के लिए a प्लस h, अगर a प्लस में होगा तो तब a लेते हैं, एंड फंक्शन की वैल्यू अगर a है तब भी a ही लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर मैंने सारी चीजें बताई कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब LHL RHL की बात कर लेते हैं, अपन ने x बराबर a पर बात कर रहे हैं, ठीक है, x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर बात कर लेते हैं, LHL निकालते हैं सबसे पहले, तो LHL, तो LHL क्या भाई कि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, तो ये निकल के आएगा भाई लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस x, ठीक है। अब LHL के लिए आपको क्या है कि LHL RHL दोनों के लिए आपको इसी में वैल्यू पुट करनी है, x माइनस और बड़े कोष्ठक के अंदर x, तो x के स्थान पे क्या रखना है a माइनस h रखना है, यहाँ x नहीं आएगा h आएगा क्योंकि आपने चेंज कर लिया x को h में, तो a माइनस h, ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा भाई लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस h था तो a माइनस h माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर a माइनस h इस प्रकार से, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। अब a माइनस h की जगह मैंने आपको बताया a माइनस h की जगह क्या लेना है आपको a माइनस 1 रखना, ठीक है, ये देख पा रहे हो a माइनस 1 रखना है, तो यहां a माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा भाई लिमिट
एच टेंस टू जीरो, ये निकल गया ए माइनस एच माइनस ए माइनस वन, इस प्रकार से। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस एच माइनस ए माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, तो माइनस ए से माइनस ए कट रहा है ए। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, तो यहां से बच जाएगा वन माइनस एच, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वन माइनस जीरो बराबर वन। तो एल एच एल की वैल्यू आ गई वन। आर एच एल की बात कर लेते हैं, ठीक है, आर एच एल, आर एच एल की अगर बात करें तो लिमिट क्या भाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, है ना। अच्छा, और यहां पर वैल्यू पुट करना है एक्स माइनस एक्स था, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच, इतना हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एल आर एच एल की अगर मैं बात करूं तो ए प्लस एच के लिए, ए प्लस एच के लिए क्या निकलना है, ए प्लस एच के लिए ए निकलना है, ए प्लस एच के लिए ए निकलना है, तो यहां से कितना वैल्यू मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, क्योंकि ए प्लस एच के लिए आप क्या रखोगे, ए प्लस एच के लिए ए रखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच माइनस ए। ए से ए कट रहा है तो एच बच जाएगा यहां पर, ये हो जाएगी भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो बच जाएगा एच, तो आ जाएगी वैल्यू जीरो। तो एल एच एल का मान, एल एच एल का मान एक आया था, आपने क्या देखा कि एल एच एल का मान भाई, एल एच एल का मान कितना आया, एल एच एल की जो वैल्यू आई, एल एच एल की वैल्यू, एल एच एल की वैल्यू आई वन। ठीक है, और यहां पर आपने आर एच एल की वैल्यू फाइंड कितनी की, जीरो। तो यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल है, इसीलिए x के किसी भी मान के लिए मातम पूर्णांक फलन असतत होता है, या फिर x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए फलन gx, फलन gx असतत है। ठीक है, असतत है, इतना अपन को दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कह रहा है भाई, कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, आपको दर्शाना नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन लागू हो सकती है। याद रखिएगा, दर्शाने और सिद्ध करने के लिए आपको करना हो सकता है, लेकिन क्या पर दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो फलन दे दिया एक्स बराबर पाई पर, बात करते हैं एल एच एल आर एच एल की, बात करना एल एच एल आर एच एल दोनों इसी पर रखेंगे। ठीक है, तो यहां से एल एच एल की अगर मैं बात करूं तो कितना होना है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा भाई, कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई माइनस एच, वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई माइनस एच प्लस का फाइव। ठीक है, अच्छा, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो रहा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का टू पाई एच, देन साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस में होगा, 180 में नो चेंज होता है, 180 माइनस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में होता है। ठीक है, और वहां पर नो चेंज दूसरे चतुर्थांश साइन प्लस में होता है, तो बच जाएगा आपका साइन एच बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, साइन एच प्लस फाइव। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर माइनस टू पाई और एच की वैल्यू जीरो माइनस साइन जीरो प्लस फाइव। तो यहां से कितना बचना है भाई, पाई स्क्वायर, बाकी का जीरो स्क्वायर जीरो हो जाएगा, टू पाई जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का मान जीरो, तो ये बच जाएगा पाई स्क्वायर प्लस फाइव, यानी एल एच एल का मान आ गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव। आर एच एल की बात कर लेते भैया, आर एच एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ना। तो x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, ठीक है, बस मजे लेके पढ़ाई करते जाओ, बस बढ़िया रहेगा। तो पाई प्लस एच वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो f पाई प्लस h रखना है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस h एंड प्लस फाइव। ठीक है, अच्छा, ओपन करेंगे अगर इसको तो ये भाई हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये होएगा पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू पाई एच, देन माइनस, अच्छा 180 में नो चेंज है, पाई प्लस एच है, तो तीसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है वो माइनस का होता है, तो ये निकल के आएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस का साइन एच। ठीक
ठीक है, और प्लस का 5 था इतना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई लिमिट h टेंस टू जीरो, ये कर रहे हैं पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू पाई एच माइनस माइनस प्लस साइन एच प्लस 5, ठीक है। तो h की वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो ये हो रहा भाई पाई स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस टू पाई जीरो प्लस साइन जीरो प्लस 5, तो यहां से कितना निकलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5 निकला। तो एलएचएल आरएचएल निकाल लिया, फंक्शन की वैल्यू बात कर लेते हैं। एफएक्स, एफएक्स आपको कितना दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5 दिया था, और एक्स बराबर पाई पर निकालने के लिए कह रहा था एक्स बराबर पाई पर, ठीक है। एक्स बराबर पाई पर कितना हो जाएगा, एफ पाई बराबर पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस 5। अच्छा साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से एफ पाई निकल के आएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, देन एफ पाई की वैल्यू आप कह रहे हो पाई स्क्वायर माइनस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 चला था, हाँ तो पाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर आपने निश्चित तौर पे गौर कर लिया होगा अब क्या कि एलएचएल का मान निकाला आपने पाई स्क्वायर प्लस 5, देन आरएचएल का मान निकाला आपने पाई स्क्वायर प्लस 5, एंड फंक्शन की जो वैल्यू निकाली एफ पाई वो भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है। तो क्या कह रहे हैं कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई, इसीलिए एक्स बराबर पाई पर फलन सतत है, फलन सतत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्या कह रहा भैया कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। कि सवाल बहुत ही अच्छे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तीन सवाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आप तीन सवाल देख पा रहे हैं, तो पहले सवाल की बात कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपको बिंदु नहीं दिया है तो बिंदु हम ए मान लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए पर। अब पहले तो इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है, सिंपल करेंगे इस सवाल को। तो एफ एक्स बराबर क्या करते हैं, अंश और हर में अंडर रूट 2 का गुणा कर देते हैं, यानी अंडर रूट 2 गुणे 1 बटे अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। अब 1 बटे अंडर रूट 2 का अंदर गुणा कर दो तो अंडर रूट 2, और ये निकल के आएगा 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पर फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करोगे, साइन के साथ कॉस बनाओगे, ठीक है, ये 1 बटे रूट 2 को 1 बटे रूट 2 को कॉस बनाओगे, और यहां कॉस है तो इसको 1 बटे रूट 2 को साइन बनाओगे, ठीक है। साइन 45 और कॉस 45 का मान होता है 1 बटे रूट 2 पाई बाई 4, साइन 45 यानी 45 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब ये बन गया आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो रूट टू एंड ये निकाल रहे हैं आप साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, एक्स प्लस पाई बाई 4, ये हो गया एफ एक्स की वैल्यू। इसी प्रकार बाकी सब में करना है, बी नंबर में भी यही करना है, वहां माइनस दिया है, और जो सी नंबर दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पर 1 बटे 2 का गुणा करेंगे, 1 बटे 2 और 1 बटे 2 का, 2 का आंसर में गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वहां साइन 2x बना लेंगे, ठीक है, सिंपल। अब यहां पर एल एच एल आर एच एल की बात कर लेते हैं, एक्स बराबर ए पर निकालना है हमको, किस पर, एक्स बराबर ए पर, तो एल एच एल आर एच एल देख लेते भैया, एल एच एल, ठीक है, एल एच एल के लिए क्या कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, देन वैल्यू पुट करना है यहां पर अपन को एच के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ठीक है, एल एच एल में रखेंगे एक्स के स्थान पे ए माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड ये बनेगा रूट टू एंड साइन एक्स के स्थान पे रखना है ए माइनस एच प्लस पाई बाई 4, ठीक है, इतना हो गया। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू 0 रख देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 एंड साइन a माइनस 0 प्लस पाई बाई 4, ठीक है, तो यहां से कहने के लिए क्या आएगा, अंडर रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4, इतना निकल के आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन वैल्यू एल एच एल हो गया, आर एच एल की बात कर लेते हैं, ठीक है, आर एच एल की बात कर लेते हैं, आर एच एल क्या हो जाएगा, तो आर एच एल देखिए आर एच एल निकालने में कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आना चाहिए,
ठीक है, आरएचएल की बात करेंगे तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स के स्थान पर रखना है तो ये हो जाएगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो अंडर रूट टू एंड साइन ए प्लस एच प्लस पाई बाई फोर। एच का मान रख दो तो ये जाएगा अंडर रूट टू साइन ए प्लस जीरो प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, तो यहां से क्या निकल आया, आर एच एल का मान निकला है अंडर रूट टू साइन ए प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या था भाई कि चूंकि एफ एक्स बराबर निकाला आपने अंडर रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर, तो एक्स बराबर ए पर एफ ए निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई अंडर रूट टू साइन ए प्लस पाई बाई फोर। अब आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि जो एल एच एल की वैल्यू निकाली वो निकाली अंडर रूट टू साइन ए प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, आर एच एल का जो मान निकाला वो भी निकाला अंडर रूट टू साइन ए प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, एंड जो फंक्शन की वैल्यू आई एक्स बराबर ए पर वो भी अंडर रूट टू साइन ए प्लस पाई बाई फोर आ रही। तो यहां से अपन क्या कह रहे कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए, ठीक है, इसलिए दिया हुआ फलन संतत है, इसलिए दिया हुआ फलन संतत है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और सोची जा सकती थी सवाल में, क्या सोचा जा सकता था कि आपने उदाहरण में याद होगा, उदाहरण में मैंने आपको बता रखा है कि जो साइन एक्स होता है वो कंटिन्यूटी प्रदर्शित करता है और जो कॉस एक्स होता है वो भी कंटिन्यूटी प्रदर्शित करता है। तो जब दोनों सतत फलन है, साइन एक्स और कॉस एक्स जब दोनों सतत फलन है तो उनका चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे इंटू करो, दो कंटिन्यूटी प्रदर्शित करने वाले या दो कंटिन्यूस फंक्शन, दो सतत फलन, कंटिन्यूस फंक्शन यानी सतत फलन का अगर योग करो मल्टीप्लाई करो या फिर गुणा कराओ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन बन के निकल के आता है। तो चाहे वैसे कर दो कि चूंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका सतत फलन है तो और उनका योगफल भी एक सतत फलन होगा इसलिए दिया हुआ फंक्शन एक सतत फलन है, ऐसा भी सोच सकते हो। बहरहाल अगर वो डिसाइड करेगा नंबर कितने हैं, अगर एक एक नंबर का सवाल है तो आप ऐसे ले सकते हो, लेकिन अगर पांच नंबर का सवाल है तो आपको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 21 नंबर का बी आपसे बन जाएगा, सी बन जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं। ठीक है, 21 नंबर का बी देखिए, 21 बी, ठीक है, क्या दिया है आपको फंक्शन कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आपको निकालना है एक्स बिलोंग्स टू ए पर, वही करेंगे अंडर रूट दो का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, अंश और हर में, तो एक बटे रूट दो और यहां पर ले लेंगे साइन एक्स वन अपॉन रूट टू माइनस कॉस एक्स वन अपॉन रूट टू इस तरीके से। ठीक है, तो ये निकलेगा रूट टू एंड साइन एक्स कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई फोर। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर इतना हो गया। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स बराबर ए पर एल एच एल आर एच एल की बात कर लेते हैं भाई, एल एच एल। ठीक है, तो एल एच एल के लिए क्या रखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, देन वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो अंडर रूट टू साइन एक्स के स्थान पर ए माइनस एच माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, एच की वैल्यू पुट कर दो तो ये निकल के आएगा अंडर रूट टू साइन ए माइनस जीरो माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट टू साइन ए माइनस पाई बाई फोर। ये हो गया एल एच एल का मान, देन आर एच एल की बात कर लेते हैं, आर एच एल। ठीक है, आर एच एल की अगर आपने वैल्यू निकाली आर एच एल, तो आर एच एल क्या भैया कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो अंडर रूट टू साइन
एक्स के स्थान पे ए प्लस एच देन माइनस का पाई बाई फोर इतना निकल के आएगा। ठीक है, अब एच का मान रखेंगे तो एच की वैल्यू पुट कर दो, एच का मान जीरो रख देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट टू साइन ए प्लस जीरो माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, इतना हो गया। तो यहां से आर एच एल कितना निकाला, अंडर रूट टू साइन ए माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, ये वैल्यू आर एच एल की निकाली। तो एल एच एल आर एच एल निकाली, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो एक्स बराबर ए पर फंक्शन, पहले फंक्शन कितना बनता है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर इतना बन रहा फंक्शन। देन एक्स बराबर ए पर आप निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, एफ ए, एफ ए बराबर अंडर रूट टू साइन एंड ए माइनस पाई बाई फोर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने गौर कर लिया कि एल एच एल का मान निकाला तो ये आया अंडर रूट टू साइन ए माइनस पाई बाई फोर, आर एच एल का मान निकाला तो ये अंडर रूट टू साइन ए माइनस पाई बाई फोर, एंड एक्स बराबर ए पर फंक्शन की जो वैल्यू आई वो भी अंडर रूट टू साइन ए माइनस पाई बाई फोर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप सिद्ध कर सकते हो कि चूंकि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए, इसीलिए दिया हुआ फलन संतत है, दिया हुआ फलन संतत है। क्लियर है बात। अब 21 का सी देख लेते हैं, 21 का सी दे रहा था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 21 का सी। ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रहा है आपको कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आपको निकालना है यहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए पर निकाल लेते हैं। ठीक है, बिंदु नहीं दिया, बिंदु अपन मान के चल रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या इसको हल करेंगे, तो दो गुणे अंश और हर में दो का गुणा कर लो, साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला बना रहे हैं यहां पर, तो एक बटे दो गुणे दो और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ये टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन टू एक्स, यानी ये बनेगा एक बटे दो साइन टू एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर, अब इसके लिए निकाल लेंगे तो x बराबर a पर, x बराबर a पर अगर मैं बात करूं तो एल एच एल आर एच एल निकाल लेते हैं, एल एच एल, एल एच एल कितना भाई कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, देन ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ a माइनस एच। ठीक है, और यहां से निकाल लेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन अपॉन टू साइन टू एक्स की जगह ए माइनस एच। ठीक है, अब एच का मान जीरो रख देंगे तो एच का मान जीरो रखिए तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू एंड साइन टू ए माइनस जीरो, तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन टू साइन टू ए। ठीक है, या आप इसको कह रहे हैं कि साइन टू ए अपॉन टू, ठीक है, साइन टू अपॉन टू, तो ये हो गया एल एच एल का मान। आर एच एल की बात कर लो भैया, आर एच एल, ठीक है, तो आर एच एल कितना कि भाई लिमिट एच टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स देन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, वैल्यू पुट करना है अपन को तो ये हो रहा है भाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन अपॉन टू साइन टू ए प्लस एच। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहां पर आप h का मान रख देंगे, h का मान रखने पर कितना कि 1 अपॉन 2 साइन 2 a प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन 2 a, या इसी को अपन कह सकते हैं कि भाई साइन 2 a अपॉन 2। ठीक है, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कैसे कि एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स निकाला था 1 अपॉन 2 साइन 2 x निकाला था। ठीक है, तो x बराबर a पर एफ ए, एक्स बराबर ए पर एफ ए वन अपॉन टू साइन टू ए, या आप कह रहे हैं कि एफ ए बराबर हो गया साइन टू ए अपॉन टू। ठीक है, साइन टू ए अपॉन टू, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बहुत ही सिंपल चीज हो गई साइन टू ए अपॉन टू। तो यहां पर आपने क्या गौर कर लिया कि जो एल एच एल का मान था साइन टू ए अपॉन टू, आर एच एल का मान निकाला साइन टू ए अपॉन टू, एंड एक्स बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू निकाली साइन टू ए अपॉन टू। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए, इसलिए दिया हुआ फलन सतत है, दिया हुआ फलन सतत
है, ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको इस प्रकार से दिया है कि कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड और कोटेंजेंट फलनों पर के सांतत्य पर विचार कीजिए, इस प्रकार से सवाल। तो यहां पर आपको त्रिकोणमिति समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये जो कोसाइन कह रहा इसका मतलब है कॉस से, ठीक है, इसका मतलब है कॉस से। कोसेकेंड का मतलब है कॉसेक से, किससे, कॉसेक से। सेकेंड का मतलब है सेक से एंड कोटेंजेंट का मतलब है कॉट से, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होगा कि एग्जाम्पल नंबर 17 जो था मैंने बताया था, तो वहां पर मैंने साइन की कंटिन्यूटी को सिद्ध करके बताया था कि जो साइन फलन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और उसी के जस्ट नीचे मैंने कॉस के लिए भी कंटिन्यूअस को पूरा बता दिया था कि जो साइन होता है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंस करता है। एग्जाम्पल नंबर 17 में मैंने बताया था, उसी के जस्ट नीचे मैंने कॉस के लिए भी बता दिया था कि जो कॉस होता है वो कंटिन्यूअस प्रेजेंस करता है। तो उस तरीके से लगा सकते हो, या अगर मैं करूँ डायरेक्ट, अगर मैं कहूँ डायरेक्ट लगाने के लिए, तो लिमिट आप LHL RHL में ना तोड़ के इकट्ठा लेके, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f ही दिखाते हैं ना, तो डायरेक्ट अगर मैं करता हूँ यानी लिमिट की वैल्यू निकालता हूँ, तो फंक्शन में लिमिट की वैल्यू निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो ये कितना हो जाएगा भाई कि लिमिट x टेंड्स टू a cos x, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आएगा cos a। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो चूंकि f(x) बराबर cos x, x बराबर a पर f a बराबर आएगा cos a, तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f a। अब याद कीजिए मैंने उदाहरण नंबर जो 17 कराया था और उसके नीचे जो साइन के लिए और उसके नीचे जो कॉस के लिए कराया था वो LHL RHL में कराया था। अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से कर दो, या इस तरीके से करके दिखाना चाहते हो तो कर सकते हो इस तरीके। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि cos x यानी कोसाइन, ठीक है, क्या कोसाइन सतत फलन होता है, सतत फलन होता है, ठीक है। अब यहां पर बाकी की जो वैल्यू है आपकी कॉसेक की बात कर लो, कॉसेक की बात कर लो, सेक की बात कर लो, कॉट की बात कर लो, ये तीनों ही फलन आपके क्या कहते हैं सतत फलन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों में ही इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाती है। तो कॉस, सेक और कॉट तीनों ही फंक्शन सतत फलन नहीं प्रदर्शित करते। और आगे आप बता रहे हैं अगर मैं कोसेकेंड की बात कर लूं, तो कोसेकेंड यानी एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि चूंकि एक्स बराबर एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, अब कैपिटल जेड क्या है, इंटीजर्स नंबर, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को बता रहा है। पूर्णांक संख्याएं आपको पता होती है, दशमलव और भिन्न की संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या यानी जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्या, जीरो वन टू थ्री इस तरफ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये सारी संख्या। तो यहां पर जो फंक्शन है कॉस एक्स की वैल्यू वो परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटी वैल्यू देगी, है ना, और अतः एफ एक्स एक्स बराबर एन पाई पर सतत नहीं है, सिंपली इस तरीके से बता रहे हो कॉसेक के लिए, ठीक है, कोसेकेंड यानी कॉसिक। इसके बाद में हम बात कर लें सेकेंड यानी सेक की, तो चूंकि एफ एक्स बराबर सेक एक्स, एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग्स टू जेड पर परिभाषित नहीं। अब यहां पर आप एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री रखेंगे तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है, इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, यानी उसे आप अपरिभाषित अनडिफाइंड कहते हो। तो अतः एफ एक्स बराबर एक्स 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर सतत नहीं है, ठीक है। कोटेंजेंट की बात कर लें तो fx बराबर cot x, और चूंकि x बराबर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z पर परिभाषित नहीं है, अतः fx x बराबर n पाई पर सतत नहीं है। तो आपने यहां पर यह देखा कि मैंने उदाहरण में बताया था आपको कि sec cos tan सतत फलन होते हैं, sec cos और tan सतत फलन होते हैं, उसके विपरीत कॉट सेक और कॉसेक असतत फलन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। अभी तक आपने जितने सवाल लगाए उस हिसाब से ये सवाल आपसे बन जाएगा कि f के सभी असंतत्तता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर sin x अपॉन x यदि x लेस देन 0 एंड x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। LHL RHL की बात करनी है और निकाल लेना। तो यहां पर निकालते हैं x बराबर 0 पर आप देख रहे हैं, ठीक है, x बराबर 0 पर LHL देख लेते हैं, LHL, ठीक है। तो LHL क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h
देन ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच हो जाएगा। अब लेस देन के लिए देखो, एल एच एल के लिए लेस देन देख रहे हैं, यहां पर ये रखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स के हिसाब से, तो ये कितना बनेगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। अच्छा, साइन के अंदर माइनस होता है, वो माइनस बाहर निकल आता है, तो ये कितना हो जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का साइन एच अपॉन माइनस एच, दोनों तरफ से माइनस माइनस काट दोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये निकल के आएगा साइन एच अपॉन एच। अच्छा, ये फॉर्मूला बन जाता है कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 13 में आपको बताया जाता है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, एल एच एल निकल आया, आर एच एल की बात करें तो भैया आर एच एल कैसे कि आर एच एल, ठीक है, तो आर एच एल में देखते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच। अच्छा, आर एच एल के लिए ग्रेटर देन की वैल्यू रखनी है आपको एक्स प्लस वन, तो यहां रख देंगे एक्स प्लस वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स के स्थान पर आ जाएगा एच प्लस वन, तो यहां पर रखते हैं तो जीरो प्लस वन बराबर वन, तो ये हो गया आर एच एल का मान। अब फंक्शन की वैल्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो चूंकि अब देखो बराबर का निशान कहां है, ये दिया, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे एक्स प्लस वन लेके चलेंगे, तो चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, एक्स बराबर जीरो पर निकालना है, एक्स बराबर जीरो पर, तो एक्स बराबर जीरो पर कितना एफ जीरो बराबर जीरो प्लस वन यानी एफ जीरो, इसीलिए एफ जीरो कितना हो जाएगा वन। तो यहां से आपने क्या गौर कर लिया कि एल एच एल का मान निकाला जो कि वन आया, आर एच एल का मान निकाला वो भी वन आया, एंड एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी वन आई, तो आप फाइनली तौर पे क्या कह रहे हैं कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो, इसीलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है, फलन सतत है। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझा रहे हैं कि जब x लेस देन जीरो हो तो साइन x और x दोनों सतत होते हैं, इसलिए साइन x अपॉन x सतत फलन है। ठीक है, लेस देन के लिए साइन x अपॉन लेस देन जीरो के लिए साइन x अपॉन x था, साइन x अपॉन x था लेस देन के लिए। ठीक है, तो जब x लेस देन जीरो हो तो साइन x और x दोनों सतत फलन है, इसीलिए साइन x अपॉन x सतत फलन हो गया। ठीक है, इसके बाद और जब x ग्रेटर देन जीरो हो तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन बहुपदी फलन है, और चूंकि बहुपदी फलन सतत होता है इसलिए x प्लस वन सतत फलन है, तो अतः एफ एक्स किसी भी बिंदु पर असतत फलन नहीं है। वो यही पूछ रहा था कि असंततता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो यदि एक्स बराबर जीरो द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। ठीक है, एल एच एल आर एच एल की बात कर लेते हैं, एल एच एल आर एच एल जो कुछ भी लगेगा वो आपको पता है कि इसी में लगा देंगे नॉट इक्वल टू वाले में। ठीक है, तो एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर देखते हैं एल एच एल, एल एच एल। ठीक है, तो एल एच एल के लिए क्या निकालेंगे भाई कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, देन ये निकल के आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, देन ये निकल के आएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच। ठीक है, अब यहां पर आपको रखना है एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स में माइनस एच की वैल्यू, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और माइनस एच का स्क्वायर साइन माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, साइन के अंदर माइनस होता है तो वो बाहर निकल आता है, पता है आपको, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा, माइनस एच स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और यहां से आप बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन वन अपॉन एच। ठीक है, अच्छा इस चीज को ऐसे लिख लो कि भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड माइनस एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच। ठीक है, अब देखो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था आपको कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है वन। अब यहां पर साइन के साथ वन अपॉन एच दे रहा, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन वन अपॉन एच की भी वैल्यू वन। ठीक है, वन अपॉन एच, तो वन अपॉन एच अगर साइन के साथ है तो नीचे वन अपॉन एच लाते हैं, कैसे लाएंगे कि लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप साइन वन अपॉन एच की नीचे वन अपॉन एच कर रहे हैं तो गुणा करा दीजिए,
गुणा करा दिए अपॉन एच का इस प्रकार से, ठीक है। तो एक एच से एक एच कट जाएगा, इसको आप साथ में लिख रहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से एक एच बचेगा, इंटू में साइन वन अपॉन एच अपॉन वन अपॉन एच। अच्छा, ये साइन वन अपॉन एच एंड वन अपॉन एच की जो वैल्यू है वो हो जाएगी वन, और यहां पर रखेंगे तो ये तो हो रहा है, एच की वैल्यू अगर रखोगे तो माइनस माइनस जीरो गुणे एक हो रहा है, माइनस जीरो गुणे एक हो रहा है, क्योंकि एच का मान जीरो रखना है, तो वैल्यू तो आएगी आपकी जीरो, ठीक है। इतना क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत है तो रिवर्स करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं आर एच एल की, बात कर लेते हैं, आर एच एल भी इसी प्रकार निकाल रहे हो आप, आर एच एल लिख लेते, ठीक है, आर एच एल। तो आर एच एल के लिए क्या भैया, कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, यहां पर भी वही करेंगे, साइन वन अपॉन एच है, उसके नीचे वन अपॉन एच लेके जाएंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कैसे, कि एच स्क्वायर और गुणे करेंगे, एच स्क्वायर गुणा कर देंगे वन अपॉन एच का, और गुणे में है साइन वन अपॉन एच अपॉन में वन अपॉन एच, ठीक है, वन अपॉन एच का ऊपर नीचे गुणा किया बेसिकली। तो क्या निकल के आएगा भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक एच बचेगा, और इनटू में ये हो जाएगा भाई साइन वन अपॉन एच अपॉन वन अपॉन एच, ठीक है। तो साइन वन अपॉन एच अपॉन में वन अपॉन एच ये हो जाएगा वन, तो यहां पर आएगा जीरो गुणे एक बराबर जीरो, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू की बात कर लो सीधे सीधे, तो चूंकि फंक्शन की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स बराबर क्या दिया फंक्शन की वैल्यू के लिए, एक्स बराबर जीरो पर, ये जीरो दे रखा है यहां पर, तो एफ एक्स कितना दे रहा है, एफ एक्स आपको जीरो दे रखा है, एक्स बराबर जीरो पर निकालेंगे, एक्स बराबर जीरो पर निकालेंगे तब भी एफ जीरो रहेगा जीरो, ठीक है। तो यहां पर आपने निश्चित तौर पर गौर कर लिया क्या, कि भाई लिमिट एल एच एल का मान निकाला, एल एच एल का मान कितना आया जीरो आया, देन आर एच एल का मान निकाला, आर एच एल का मान कितना आया वो भी जीरो आया, एंड एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आई। तो यहां से आप फाइनल तौर पे क्या करें कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है, फलन सतत है। अब मुझे बताओ कंटिन्यूटी के इतने सवाल आपने लगा लिए हैं तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है अब कंटिन्यूस में, नहीं आ रही है, बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल लग रहे हैं आपको। इसके अलावा याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड है, जहां पर कंटिन्यूस के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसको देख लेना, ठीक है। फुल क्रैश कोर्स नाम से एक आपकी प्लेलिस्ट है, वहां पर आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन डले हुए हैं, उनको जरूर देख लेना। इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपको किस प्रकार से दिया है, कि एफ के सांतत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। सवाल आपसे बन जाएंगे कंटिन्यूटी के, इतना मुझे पता है अब आपसे, ठीक है ना। तो एफ एक्स क्या दे दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन यदि एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पर निकालते हैं, एल एच एल की बात कर लेते हैं, और एल एच एल आर एच एल आपको पता है दोनों ही एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, ठीक है। अब यहां पर आप रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, पहली बात तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में एक्स के स्थान में माइनस एच रखना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड साइन माइनस एच माइनस का कॉस माइनस एच, ठीक है। तो ये यहां पर कितना होना भाई कि लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर निकल आता है, तो माइनस साइन एच एंड ये माइनस कॉस के अंदर माइनस होगा तो प्लस का बना रहता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे एच की, कॉस एच यहां थीटा की जगह एच रखना है, ठीक है। तो कॉस एच अब यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का साइन जीरो माइनस का कॉस जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो माइनस जीरो माइनस कॉस जीरो का मान एक, तो कितना आ जाएगा यहां से आ जाएगा एल एच एल का मान माइनस एक। एल एच एल की वैल्यू निकाल ली, अब बात कर लेते हैं आर एच एल की, ठीक है। तो आर एच एल की बात करें तो आर एच एल के लिए क्या भैया, कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ
जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच। ठीक है, अब एफ एच यहां पर रखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में, तो क्या मिलेगा अपन को कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच माइनस कॉस एच। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब एच की वैल्यू जीरो रखना है आपको, तो ये हो जाएगा साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो का मान जीरो माइनस कॉस जीरो का मान एक, तो ये मिल जाएगा माइनस एक। एल एच एल आर एच एल निकालिए, फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो एफ एक्स कह रहा आपको माइनस एक, एफ एक्स कितना कह रहा माइनस एक फोर एक्स यदि एक्स बराबर जीरो है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर माइनस एक, एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर कितना कि एफ जीरो बराबर माइनस एक। तो निश्चित तौर पे आपने क्या बताया कि एल एच एल का मान निकाला माइनस एक, ठीक है, आर एच एल का मान निकाला, यहां पर देख रहे हो आर एच एल का मान निकाला माइनस एक, एंड फंक्शन की वैल्यू एक्स बराबर जीरो पर निकाली माइनस एक। तो क्या कह देंगे कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो, इसीलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है, फलन संतत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, कह रहा आपको कि प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए बात कर रहा है। अब आपको याद होगा अपन ने क्वेश्चन नंबर 17 लगाया था, वहां पर भी ए और बी के मान को ज्ञात किया था। कैसे किया था कि कंटिन्यूटी है, देन एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू एफ ए जो होगी वो तीनों बराबर रहेगी, है ना, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए, तीनों की वैल्यू बराबर रहती है। तो उसी हिसाब से करेंगे 26, 27, 28, 29, चार सवाल लगाने के लिए। ठीक है, तो 26 में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, एंड थ्री यदि एक्स बराबर पाई बाई टू द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई बाई टू पर संतत है। ठीक है, अब चूंकि चूंकि एक्स बराबर पाई बाई टू पर फलन संतत है, इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई बाई टू, यही होगा। अब यहां से एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एक्स बराबर पाई बाई टू पर। ठीक है, तो x बराबर पाई बाई टू पर, x बराबर पाई बाई टू पर एल एच एल निकाल लेते हैं, एल एच एल, तो एल एच एल कितना हो जाएगा भैया यहाँ से कि लिमिट लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो देन ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो एफ पाई बाई टू माइनस एच, है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे एंड नॉट इक्वल टू के लिए दिया है यहाँ पर x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, तो आपको पता है एल एच एल आर एच एल दोनों यही रखना है। तो k cos x कितना है यहाँ पर रख रहे हैं, k cos x की जगह आएगा पाई बाई टू माइनस एच अपॉन में, एंड पाई माइनस टू एक्स है तो पाई माइनस टू एक्स, तो टू बाहर और x के स्थान पर पाई बाई टू माइनस एच, इतनी वैल्यू, एंड यहाँ पर है लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है, देन आगे आ जाएगा भाई लिमिट h टेंस टू जीरो। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहले चतुर्थांश में सब प्लस में होता है, 90 में चेंज हो जाता है, तो आ जाएगा sin थीटा यानी sin h, तो k sin h अपॉन दो का अंदर गुणा करेंगे तो पाई माइनस का आएगा, दो से दो कट जाएगा तो माइनस पाई बचेगा, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड टू एच आ जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना, दो का अंदर गुणा करेंगे तो ये दो का जब अंदर गुणा होगा तो पाई बाई टू एंड टू, दो से दो कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना बच जाएगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो के साइन एच अपॉन पाई से पाई काटा टू एच। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे साइन एच के नीचे एच ले लेंगे, साइन एच के नीचे अपन एच ले सकते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो के अपॉन टू इन टू साइन एच अपॉन एच। आपको पता है साइन एच अपॉन एच की वैल्यू लिमिट के लिए यहां पर एक हो जाएगी, तो ये बचेगा के बाई टू इन टू वन बराबर के बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया एल एच एल का मान, देन आर एच एल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आर एच एल देख लेते हैं, यहां पर अगर मैं बात करूं आर एच एल की, आर एच एल की, तो आर एच एल कितना हो जाएगा भैया यहां से कि भाई लिमिट एक्स टेंस टू पाई वाई टू प्लस एफ एक्स, देन आप कर रहे हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई वाई टू प्लस एच। वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या रखना है के कॉस पाई वाई टू प्लस एच एंड अपॉन में पाई माइनस टू एंड पाई वाई टू माइनस प्लस एच। ठीक है, इतनी वैल्यू पुट करनी थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स था, तो x के स्थान पे पाई बाई टू प्लस एच रखना था अपन को, तो पुट कर दिया। अब cos पाई बाई टू प्लस एच यानी cos 90 प्लस थीटा, दूसरे जो तो था उसमें cos नेगेटिव का होता है और cos जो होता है वो चेंज हो जाता है साइन में, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन एच आ जाएगा। तो यहां से बनना है भाई लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो के ये बन जाएगा माइनस का साइन एच, ठीक है, और के तो गुणा में था अपॉन में पाई, माइनस दो के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का पाई आएगा एंड माइनस का टू एच आएगा, ठीक है, इतना निकल के आएगा। देन ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस के साइन एच, पाई से पाई कटा अपॉन माइनस का टू एच, माइनस से माइनस काट दो तो ये हो रहा है भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो के अपॉन टू इंटू साइन एच अपॉन एच, इतना, ठीक है, तो साइन एच अपॉन एच हो जाएगा वन। तो ये कर रहे हैं के अपॉन टू इंटू वन, देन वैल्यू आ रही है के अपॉन टू, तो एल एच एल एंड आर एच एल की वैल्यू आई के अपॉन टू, ठीक है। अब फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन आपको कह रहा था कि एक्स बराबर पाई बाई टू पर, एक्स बराबर पाई बाई टू पर फंक्शन कह रहा तीन, ठीक है। तो चूंकि चूंकि एफ एक्स बराबर थ्री, एक्स बराबर पाई बाई टू पर, एक्स बराबर पाई बाई टू पर एफ पाई बाई टू बराबर थ्री, ठीक है। तो दिया क्या था कि चूंकि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई बाई टू, तो यहां पर कितना आना है के अपॉन टू बराबर के अपॉन टू बराबर थ्री। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं कि के अपॉन टू बराबर थ्री, देन के बराबर आ जाएगा तीन दूनी छः, तो यही निकालना था, तो के बराबर छः आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार से दे दिया है कि एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर यदि x लेस देन इक्वल टू टू एंड 3 यदि x ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत है, k की वैल्यू ज्ञात करना है। चूंकि फलन एफ एक्स x बराबर 2 पर संतत है तो हम कहेंगे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ टू, तो x बराबर 2 पर एल एच एल की बात कर लेते हैं, सवाल आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा भाई कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच, ठीक है, और लेस देन के लिए रखना है के एक्स स्क्वायर, लेस देन के लिए के एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आना भाई कि लिमिट एच टेंस टू जीरो के एक्स स्क्वायर यानी के एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पे टू माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो के, अब 2 माइनस एच का होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस एच का, तो एच स्क्वायर माइनस 4h, इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो लिमिट अब h की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो h की वैल्यू रखेंगे तो k एंड 4 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 4 गुणे 0, तो ये मिल जाएगा अपन को यहाँ से 4k, कितना मिल गया 4k, तो एल एच एल आ गया। देन आर एच एल की बात कर लेते हैं, आर एच एल, ठीक है, तो आर एच एल के लिए भैया क्या हो जाएगा यहां से कि लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच, देन अब ग्रेटर देन के लिए वो कह रहा था तीन, ग्रेटर देन के लिए कह रहा था तीन, तो डायरेक्ट तीन रख दीजिए, तो ये निकल के आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री, ठीक है, ग्रेटर देन के लिए तीन कह रहा था, सीधे सीधे तीन रख दोगे तो यहां पर आर एच एल की वैल्यू मिलनी है तीन, ठीक है। अब फंक्शन की बात कर लो तो बराबर का निशान कहाँ लगा, देखो बराबर का निशान ये लगा x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है, बराबर का निशान यहाँ पर लगा x लेस देन इक्वल टू टू, तो उसके लिए ना के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर के लिए बात कर लेते हैं कि एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, देन x बराबर दो पर कह रहा है x बराबर दो पर एफ टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा के एंड टू स्क्वायर, तो F2 आ जाएगा 4K। अब अपन को पता क्या था कि चूंकि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F2, LHL का मान कितना निकाला 4K, RHL का मान कितना 3, फंक्शन की वैल्यू कितनी निकाली 4K, ठीक है, तो यहां से आप फाइनल क्या कह सकते हैं कि 4K बराबर 3, देन K का मान आ गया 3/4, जो कि हो जाएगा आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं कि अगर आपको एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन यदि एक्स लेस देन इक्वल टू पाई,
एंड कॉस एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन पाई द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है कह रहा। तो चूंकि फलन एफ एक्स एक्स बराबर पाई पर संतत है इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई। अब एक्स बराबर पाई पर वैल्यू निकालते हैं एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन की, ठीक है। तो एल एच एल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है लिमिट एच लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स देन ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई माइनस एच। अब लेस देन के लिए यहां आप देख पा रहे हो वैल्यू रखनी है आपको के एक्स प्लस वन, यानी यहां रख रहे हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो के एक्स के स्थान पर रखेंगे पाई माइनस एच एंड प्लस वन इतनी वैल्यू, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो जाएगा के पाई माइनस के एच प्लस वन इतना मिल जाएगा। एच का मान जीरो रखेंगे तो के पाई माइनस के गुणे जीरो प्लस एक तो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है के पाई प्लस एक। एल एच एल का मान निकल आया, आर एच एल की बात कर लो भैया, आर एच एल की वैल्यू देख लेंगे आर एच एल, ठीक है। तो आर एच एल के लिए कितना कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स देन क्या हो जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई प्लस एच, ठीक है। देन यहां से आपको मिल जाएगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा अब ग्रेटर देन के लिए आर एच एल की मान रखना है तो ग्रेटर देन के लिए क्या दे रखा है कॉस एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस एच। तो 180 प्लस थीटा कॉस में तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गया, तीसरे 180 में नो चेंज होता है, तीसरे चतुर्थांश में कॉस निगेटिव का होता है तो बन जाएगा माइनस कॉस एच। तो ये हो जाएगा भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस कॉस एच इतना निकल आएगा। अब वैल्यू रखेंगे और एच का मान जीरो रखना है तो माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान एक, तो ये हो जाएगा आर एच एल का मान माइनस का एक, ठीक है। आर एच एल की वैल्यू निकल आई और एल एच एल की वैल्यू देख लेते हैं, आर एच एल हो गया एल एच एल हो गया दोनों। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन क्या कह रहा था ध्यान दो, फंक्शन यहां बराबर कह रहा था एक्स लेस देन इक्वल टू पाई पर, तो कितना के एक्स प्लस वन लेंगे, के एक्स प्लस वन लेंगे, ठीक है। तो चूंकि फंक्शन लेना अपन को एफ एक्स के एक्स प्लस वन, ठीक है, फंक्शन क्या लेना है के एक्स प्लस वन, ठीक है, फंक्शन ले रहे हैं के एक्स प्लस वन। अब एक्स बराबर पाई पर निकालना है, एक्स बराबर पाई पर तो एफ पाई बराबर के पाई प्लस वन, एफ पाई के पाई प्लस वन, ठीक है। अब आपको पता था कि चूंकि क्या लिया था अपन ने एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ पाई, तो एल एच एल का मान कितना निकाला के पाई प्लस वन, आर एच एल का मान निकाला माइनस एक और एफ पाई का मान निकाला है के पाई प्लस वन। तो यहां पर फाइनली क्या कह सकते हैं अपन कि के पाई प्लस वन बराबर माइनस एक, यानी कि के पाई बराबर माइनस एक प्लस एक का ट्रांसफर कर दिया तो माइनस एक, यानी के पाई बराबर माइनस टू एंड के बराबर कितना हो जाएगा माइनस टू अपॉन पाई, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ओके। नंबर 29 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 29 कह रहा है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन यदि एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव एंड थ्री एक्स माइनस फाइव यदि एक्स ग्रेटर देन फाइव द्वारा परिभाषित है फलन एक्स बराबर पांच पर संतत है, ये कह रहा। तो चूंकि फलन एफ एक्स एक्स बराबर पांच पर संतत है इसलिए एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ फाइव, एक्स बराबर पांच पर एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं और निकाल लेते हैं। सवाल सिंपल है, बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन सवालों में। आपने अभी तक ये देखा एल एच एल आर एच एल फंक्शन की वैल्यू निकालते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं बस, ठीक है ना। तो बन जाएगा, कर लीजिएगा, देखिए करना कैसे, अगर कोई दिक्कत है तो लिमिट एक्स टेंस टू फाइव माइनस एफ एक्स, ठीक है। देन यहां से कितना निकल आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड एफ फाइव माइनस एच। अच्छा एल एच एल के लिए लेस देन के लिए क्या रखना है, लेस देन के लिए देख रहे हैं यहां पर लेस देन इक्वल टू फाइव के लिए के एक्स प्लस वन कह रहा है, एक्स की जगह फाइव माइनस एच रखना है तो के एक्स की जगह फाइव माइनस एच प्लस वन इतना कह रहा, तो यहां पर रहेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो के एक्स प्लस वन कह रहा था। इसको हल करते हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड ये हो जाएगा फाइव के माइनस के एच प्लस वन,
एच का मान रखेंगे तो 5k एंड 5k माइनस के गुणे 0 प्लस 1, तो कितना निकलेगा ये 5k प्लस 1 निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गई LHL का मान हो गया। RHL की बात कर लेते हैं, ठीक है, RHL, तो RHL के लिए कितना हो जाएगा भैया कि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, देन लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h। ठीक है, अब ग्रेटर देन के लिए, RHL में ग्रेटर देन के लिए आप 3x माइनस 5 रखने वाले हैं, 3x माइनस 5, तो x के स्थान पे 5 प्लस h आएगा, यानी 3x के स्थान पे 5 प्लस h माइनस 5, ये यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 इतना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई कि लिमिट h टेंस टू 0, 3 का गुणा कर लो तो 3 5 15 एंड प्लस का 3h माइनस का 5, तो यहां से मिल जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, 15 में 5 गए तो 10 प्लस 3h इतना मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो 10 प्लस 3 गुणे 0, तो यहां से मिल गया अपन को 10। RHL का मान आ गया। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि fx अब बराबर कहां पर दिया था, बराबर देखो ये दिया था x लेस देन इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, यहां दिया था, तो क्या कितना लेना है फंक्शन, kx प्लस 1 लेना, फंक्शन लेना आपको kx प्लस 1 लेना है। अच्छा, और x बराबर कितने पर निकाल रहे थे, x बराबर 5 पर निकाल रहे थे। ठीक है, तो x बराबर 5 पर f 5 हो जाएगा k 5, यानी 5k प्लस 1 आ जाएगा, 5k प्लस 1। और आप आपको पता क्या था कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f 5, LHL का मान कितना निकाला 5k प्लस 1, RHL का मान कितना है भाई 10 है, f 5 का मान कितना है 5k प्लस 1 है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि फाइनल तौर पे 5k प्लस 1 बराबर 10, 5k बराबर 10 माइनस 1, 5k बराबर 9, देन k बराबर कितना आ जाएगा फाइनल में, k बराबर आ गया 9/5, तो ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है कि a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फंक्शन दे दिया fx 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b यदि 2 लेस देन x लेस देन 10 एंड 21 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इतना कुछ कह रहा है। अब यहां पर आप निश्चित तौर पे देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो दो चीजों में, दो पॉइंटों में बटा हुआ है, एक 2 और एक 10 में, है ना। तो यहां पर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत्व a और b के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर इस सवाल को आपने दो चीजों में बांट दिया, एक तो x 2 के लिए बांट लिया और एक x बराबर एक x के लिए 10 के लिए बांट लिया। ठीक है, और बांटना आपको आता है, मैंने ऊपर बता रखा है। तो पहले क्या कि चूंकि x बराबर 2 पर फलन संतत्व है, तो LHL बराबर RHL बराबर f 2। अब यहां पर x बराबर 2 पर LHL की बात करते हैं, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, देन यहां से मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। अब LHL के लिए लेस देन में आपको रखना है वैल्यू 5। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 वैल्यू, डायरेक्ट पूरी 5 है LHL के लिए। ठीक है, तो यहां से LHL का मान आ गया 5। अब बात कर लेते हैं RHL की, तो RHL, ठीक है, तो RHL में क्या भैया, RHL के लिए यहां क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, देन लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। अब RHL के लिए ग्रेटर देन में देखो, RHL के लिए ग्रेटर देन में यहां पर था ax प्लस b। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a x के स्थान पे 2 प्लस h प्लस b। ठीक है, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2a प्लस ए एच प्लस बी। ठीक है, तो अब h की वैल्यू रखेंगे तो 2a प्लस ए गुणे 0 प्लस बी, तो यहां से कितना निकला है, ये हो गया 2a प्लस बी। अब फंक्शन की वैल्यू बात कर लेते हैं, तो फंक्शन कितना था, देखो यहां पर दिया x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए 5 दिया, तो फंक्शन कितना कह रहा, 5 कह रहा। ठीक है, तो फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो चूंकि fx बराबर 5, चूंकि fx बराबर 5, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर f 2 बराबर रहेगा 5। ठीक है, अब आपको पता है यहां पर क्या कह रहा था कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f
टू, ठीक है। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखें तो LHL का मान कितना आया था, LHL का मान आया था 5, RHL का मान निकाला अपने 2A plus B एंड F2 की वैल्यू आई 5। तो यहां से आप कह सकते हैं भाई कि 2A plus B बराबर 5 हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो दूसरा फलन बनाया था उसके लिए हल करेंगे इसके लिए, ठीक है। इस दूसरे वाले फलन के लिए हल कर लेते हैं, तो चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि x बराबर 10 पर फलन सतत है, ठीक है, फलन सतत है, ठीक है, इसीलिए LHL बराबर RHL बराबर F10 है ना। अब x बराबर 10 पर निकालते हैं, x बराबर 10 पर, तो LHL RHL निकाल लेते हैं पहले, तो LHL, ठीक है, तो LHL कितना हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 10 माइनस FX, है ना, तो ये निकल के आएगा लिमिट h टेंस टू 0 F10 माइनस h, इतना है ना। अब लेस देन के लिए आपको वैल्यू कौन सी रखनी है, x लेस देन 10 के लिए रख रहे हैं ax प्लस बी, कितनी रख रहे हैं ax प्लस बी, तो यहां पर हो रहा लिमिट h टेंस टू 0 a x की जगह 10 माइनस h प्लस बी, ठीक है, इसको हल करते हैं, तो ये हो रहा भाई लिमिट एच टेंस टू 0 10 ए माइनस ए एच प्लस बी, ओके। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे तो 10 ए माइनस ए गुणे 10 प्लस बी, तो यहां से कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 10 ए प्लस बी, एल एच एल हो गया। आर एच एल की बात कर लो यहां से, देन आर एच एल, तो आर एच एल कितना भैया कि लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स, देन लिमिट एच टेंस टू 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 10 प्लस एच, ठीक है। देन अच्छा आर एच एल के लिए मान कितना कहेगा, देखो यहां पर ग्रेटर देन के लिए 21 कह रहा है, तो यहां 21 रखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और 21, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल 21, ठीक है। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो फंक्शन में कितना कि बराबर का निशान यहां देख रहे हो, बराबर का निशान ये दिया, किसके लिए दिया, 21 के लिए दिया, तो लगा दो, तो चूंकि एफ एक्स बराबर 21, एक्स बराबर 10 पर एफ 10 बराबर 21, ठीक है। और अपन को क्या पता था कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ 10, अब यहां पर अगर वैल्यू रख दें तो एल एच एल का मान निकाला था ये आपने 10 ए प्लस बी, ठीक है, तो यहां रखते हैं तो 10 ए प्लस बी बराबर आर एच एल का मान 21 और एफ 10 का मान भी 21, तो यहां से क्या कर रहे हैं अपन 10 ए प्लस बी बराबर 21, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 माइनस 2 से या समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, तो कितना कि 10 ए प्लस बी बराबर 21 एंड यहां पर है 2 ए प्लस बी बराबर 5, घटा रहे हैं, घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह माइनस माइनस के ले लेंगे, ये बी कट जाएगा, प्लस माइनस भी, 10 ए में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 8 ए बराबर 16, तो ए का मान हो गया 16 बटे 8, तो यहां से आपने कह दिया कि ए का मान आ गया भैया 2, ठीक है, ए का मान 2 आ गया, समीकरण 1 से निकाल लो बी का मान, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 कितना था कि 2a प्लस बी बराबर 5 एंड 2 गुणे 2 प्लस बी बराबर 5, 4 प्लस बी बराबर 5, देन बी बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, देन बी बराबर आ जाएगा 1, ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था, तो यहां से कह दिया अपन ने कि अतः a बराबर 2 और b बराबर 1, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपको दे रहा है कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ठीक है। अब इस तरीके का सवाल आपने उदाहरण नंबर 19 में लगाया था, देखा था क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप ये देखिए, जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स सतत फलन होता है खुद में, ठीक है, मैंने बताया है उदाहरण नंबर आपका 15 या 16 था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कॉस एक्स साइन एक्स आपका सतत फलन होता है, उसके बाद मैंने कॉस एक्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो बेसिकली कॉस एक्स सतत फलन होता है और एक्स स्क्वायर बहुपदी फलन है जो कि एक सतत फलन होता है, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कर रहे हैं, कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर क्या है कि आपका त्रिकोणमितीय फलन है और बहुपदीय फलन है, इनका कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, सतत फलनों का कॉम्बिनेशन भी एक सतत फलन होता है। तो यहां पर आप क्या बता रहे हैं कि चूंकि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, चूंकि फलन एफ एक्स
कोसाइन और एक्स स्क्वायर से मिलकर बना है, जहां एक्स स्क्वायर बहुपदीय फलन है और कोसाइन तथा बहुपदीय फलन सतत होते हैं। ठीक है, कोसाइन यानी कॉस और बहुपदीय फलन सतत होते हैं, इसलिए दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। सिंपल, खत्म बात। ठीक है, इसी तरह करना है और कोई दिक्कत नहीं है। और उदाहरण नंबर 19 जो था वो इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उस आधार पर ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 19 जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट था, उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कह रहा कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। अब ये भी चीज सिंपल है, पहली बात तो कॉस एक्स खुद में सतत फलन होता है, और चूंकि मॉड लग गया तो मापांक हो गया, तो मापांक फलन भी सतत फलन होता है ना, मापांक फलन भी सतत फलन होता है, और यहां पर ये कॉस एक्स है वही भी एक सतत फलन है। तो क्या बोल रहे हैं कि चूंकि एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स है, यहां पर मॉड के अंदर क्या है, कॉस एक्स है मॉड के अंदर। ठीक है, तो चूंकि एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स है, चूंकि मापांक फलन और कोसाइन फलन सतत फलन होते हैं, इसलिए दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स सतत फलन है। सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक सतत फलन है। ठीक है, अब यहां पर भी बिल्कुल सिंपल चीज है कि जो साइन है वो सतत फलन होता है और मॉड एक्स वो भी एक सतत फलन है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी सतत फलन होगा। ठीक है, तो माना एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर ले लिया, चूंकि साइन फलन और मॉड यानी मॉड एक्स यानी मापांक फलन सतत होते हैं, इसीलिए दिया हुआ फलन साइन मॉड एक्स सतत फलन है। सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से होंगे और इसमें ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 34 देख लो कि एफ एक्स बराबर दिया मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असतांत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर असंतत हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है, वो बिंदु अपन को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर समझो, पहली बात तो मॉड एक्स यानी मापांक फलन सतत फलन होता है, और मॉड के अंदर एक्स प्लस वन भी, ये भी एक सतत फलन है, तो दोनों का अंतर भी सतत फलन होगा। तो बेसिकली ये जो पूरा फंक्शन दिया है ये सतत फलन है और किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है, किसी भी बिंदु पर असतत नहीं दिखाओगे। तो क्या कह रहे हो कि चूंकि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, माना एफ एक्स बराबर एच एक्स माइनस जी एक्स, यहां पर आपने क्या किया, इस मॉड एक्स को आपने एच एक्स मान लिया, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन को जी एक्स मान लिया। ठीक है, तो जहां एच एक्स बराबर मॉड एक्स और जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, चूंकि एच एक्स बराबर मॉड एक्स मापांक फलन प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सतत है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए मापांक फलन मॉड एक्स सतत होता है। ठीक है, और जी एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन मापांक फलन मॉड फॉर ऑल यानी प्रत्येक सभी के लिए, सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सतत है, इसीलिए दोनों सतत फलनों का अंतर भी एक सतत फलन होता है, अतः दिया हुआ फलन एफ एक्स भी एक सतत फलन है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, कोई भी दिक्कत नहीं है। 34 क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 5.1 में, इसके अलावा एग्जाम्पल हो गए हैं, सारे एग्जाम्पल करा दिए, सारे कॉन्सेप्ट हो गया, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो कंटिन्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कंप्लीट होता है यहीं पर। ठीक है, इसके अलावा यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए कि हमारे एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करो, वहां से लाइव क्लासेस चल रही हैं, उनको लाइव क्लासेस को एंजॉय करो। ठीक है, तो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाइए डाउनलोड कीजिए और मजे कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए आप मुझे, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।